हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ जी बेटा, मैंने इस चैप्टर में रिकॉर्ड कराया सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स के अंदर शेयर बेस पेमेंट का चैप्टर। बेटा मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे आपको, ओल्ड कोर्स वाले बच्चे इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ओल्ड कोर्स का शेयर बेस पेमेंट और न्यू कोर्स का शेयर बेस पेमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ओल्ड कोर्स का एज पर गाइडेंस नोट है, जिसको हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करा के जिसकी वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, और ये जो वीडियो बेटा ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? सीए फाइनल न्यू कोर्स के लिए है। बेटा एक बात और बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि इस वीडियो को हमने इस ऑब्जेक्टिव से रिकॉर्ड कराया कि अगर बच्चे ने चैप्टर पहले ना भी कर रखा हो तो उसके भी ये काम आ जाएगा। बस एक काम करना बेटा, इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना, हमने इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ कवर किया। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 102। मेरी बात सुनना बेटा, कोई भी एंटिटी जिसकी हम आज बात करेंगे उसे हम रिपोर्टिंग एंटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग एंटिटी। जब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी से गुड्स या सर्विस लेती है या अपने एम्प्लॉय से सर्विस लेती है और बदले में जो कंसिडरेशन पे करती है, या तो अपने खुद के शेयर में या अपनी ग्रुप कंपनी के शेयर में या कैश में पे करती है, और कैश किसके बराबर होता है? फेयर वैल्यू ऑफ अपने खुद का शेयर या फेयर वैल्यू ऑफ ग्रुप कंपनी का शेयर। सर सिंपल सुनो, मैं एक एंटिटी जब भी मैं किसी से गुड्स या सर्विस लूंगी और बदले में जो कंसिडरेशन पे करूंगी, कैसे पे करूंगी? या तो अपने शेयर में या अपनी ग्रुप कंपनी के शेयर में, या कैश पे करूंगी, और कैश किसके बराबर होगा? या तो मेरी कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू के बराबर या मेरी ग्रुप कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू के बराबर, ठीक है। हाँ, कई बार क्या होता है, कुछ वेस्टिंग कंडीशन होती है, तो वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट होने के बाद, एक बार और रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि यहां से बेटा हमारा बेस बन जाएगा। शेयर बेस पेमेंट अरेंजमेंट का मतलब है जब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी से गुड्स या सर्विस लेती है या अपने एम्प्लॉय से सर्विस लेती है और बदले में सब वो क्या करती है, जो कंसिडरेशन पे करती है, या तो अपने इक्विटी शेयर पे करती है या अपनी ग्रुप कंपनी के इक्विटी शेयर में कंसिडरेशन पे करती है या कैश पे करती है, और कैश किसके इक्विवेलेंट होता है साहब? फेयर वैल्यू ऑफ ग्रुप कंपनी शेयर या अपने खुद के शेयर। हाँ, अगर कोई वेस्टिंग कंडीशन है तो वो वेस्टिंग कंडीशन अगर आपने पूरी की है तो उसके करने के बाद, ठीक। सर आगे सुनिए, एम्प्लॉय था, मैंने उसको कहा भैया अगर हमारा अगले साल का प्रॉफिट 50% इंक्रीमेंट के साथ होगा तो हम आपको 2 लाख रुपए बोनस देंगे। साहब ये क्या नहीं है, ये शेयर बेस पेमेंट नहीं है। क्यों नहीं है शेयर बेस पेमेंट? क्योंकि यहां पे जो बोनस दिया गया वो प्रॉफिट परफॉर्मेंस के ऊपर दिया गया, ना कि शेयर की फेयर वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट, हमने अपने एम्प्लॉय को कहा कि हम आपको 2 साल के बाद अपने शेयर की फेयर वैल्यू के बराबर कंसिडरेशन पे करेंगे, तो उस केस में साहब ये शेयर बेस पेमेंट बन जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय अगर हमारे पास 2 साल काम करेगा और हम उसे 2 साल के बदले में क्या करेंगे साहब? कैश देंगे, और कैश किसके बराबर देंगे? शेयर की फेयर वैल्यू के बराबर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये शेयर बेस पेमेंट बन जाएगा, ठीक है। सर जो शेयर बेस पेमेंट है वो इंडेस 102 के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इंडेस 102 3 ट्रांजेक्शन में अप्लाई नहीं है। हालांकि उन तीनों ट्रांजेक्शन में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि साहब इसकी तो जो सेटलमेंट है वो शेयर के थ्रू है, तो उस केस में साहब अगर वो शेयर के थ्रू भी है तो भी आप इंडेस 102 नहीं लगाओगे। पहला, अगर किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर आप पीसी पे करते हो, ज्वाइंट अरेंजमेंट इंडेस 111 के अंदर अगर आप कोई पीसी पे करते हो साहब, तो उसके अंदर जो भी आप पीसी पे अगर आप शेयर्स में भी करोगे तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो 102 में ना आके या तो 103 में आएगा, 111 में आएगा। साहब सुनिए मेरी बात ध्यान से, हमारी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर हैं, ठीक है, वो शेयर होल्डर हमारे एम्प्लॉय भी है। कंपनी ने एक स्कीम निकाली, और स्कीम क्या निकाली कि कंपनी का कोई भी जो ओनर है वो चाहे तो कंपनी से राइट शेयर ले सकता सस्ते, या कंपनी ने बोनस शेयर दे दिए। अब जो एम्प्लॉय है उन्हें भी राइट शेयर मिले या उन्हें बोनस शेयर मिले, लेकिन उन्हें जो शेयर मिले इस बार वो शेयर उन्हें एज ए एम्प्लॉय कैपेसिटी से नहीं मिले। किसकी कैपेसिटी से मिले? एज ए ओनरशिप कैपेसिटी से मिले हैं, तो ये शेयर बेस पेमेंट के अंदर नहीं आएगा। चले सर तीसरी बात, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो या तो फाइनेंशियल असेट से रिलेटेड है या फाइनेंशियल लायबिलिटी से रिलेटेड है, या सर नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन उसकी सेटलमेंट अगर नेट ऑफ के होती है तो साहब वो इंडेस 109 में कवर होगा। सर वो यहां पे कवर नहीं होगा। बट ये जितनी मैंने बातें बताई हैं ये सारी बातें रिस्पेक्टिव इंडेस में आपने डिटेल में पढ़ रखी होंगी, ठीक है। आगे चलते साहब, अब मुद्दा उठता सर कि जो शेयर बेस पेमेंट है इसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे और किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। बेटा इन दो पॉइंट को मैं भी यहां पे छोड़ रहा हूं, इन दो पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं सीधी बात करता हूं टाइप्स ऑफ शेयर बेस पेमेंट, ठीक है। शेयर बेस पेमेंट बेटा 3 तरह का होता है, इक्विटी सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट और इक्विटी विद कैश अल्टरनेटिव। साहब मेरी बात सुनना, मैंने किसी भी कंपनी से गुड्स या सर्विस ले लिया या एम्प्लॉय से सर्विस ले ली, अब बदले में मैं उसे शेयर बेस पेमेंट दूंगा, तो शेयर बेस पेमेंट कैसे दूंगा? या तो इक्विटी शेयर दूंगा, या सर
कैश दूंगा फेयर वैल्यू इक्विटी शेयर के बराबर, या मैं दोनों में से ऑप्शन दे दूंगा जो आपके पास चॉइस हो, ठीक है। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके, पहले डिस्कस कर रहे हैं इक्विटी सेटलमेंट को। मैं यहां पे इक्विटी सेटलमेंट को डिस्कस करने से पहले एक बात बता देता हूं आपको बेटा, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या है कि दो लोगों से डील होती है, एम्प्लॉय से भी और आउटसाइड पार्टी से, लेकिन ये चैप्टर जो है 95% एम्प्लॉय के इर्द गिर्द घूमता बेटा, 5% भी मुश्किल से है। किसके रिगार्ड में सर? ट्रांजेक्शन विद अदर पार्टी। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है बेटा। यहां पे जो शेयर बेस्ड पेमेंट अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो स्टार्ट करने जा रहा हूं इक्विटी सेटलमेंट। और यहां पे मेरी बात ध्यान सुनना सर, मैं पहले आपको कराऊंगा एम्प्लॉय के साथ। किसके साथ कराऊंगा? एम्प्लॉय के साथ। फिर से मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, शेयर बेस्ड पेमेंट आप आउटसाइड पार्टी के साथ भी कर सकते हो साहब, और एम्प्लॉय के साथ भी। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ। बेटा बात बिल्कुल आराम सुनना सर, थोड़ी सी देर के लिए इंडेक्स 102 भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ते बेटा जैसे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है। एम्प्लॉयर को सबसे बड़ी दिक्कत होती है साहब एम्प्लॉय को रोकना, और खास कर बेटा क्वालिटी वाले एम्प्लॉय को रोकना, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपनी के अगर स्ट्रॉन्गेस्ट असेट माने गई तो वो एम्प्लॉय माने गए हैं, लेकिन सर एम्प्लॉय को रोकना टफेस्ट काम है, जिसके लिए कंपनी अलग अलग स्कीम चलाती है, जैसे बोनस इंसेंटिव, या बेटा क्या होता है रिटेनरशिप बोनस। जैसे मान लो कंपनी ने क्या किया कि आप हमारे यहाँ पे 3 साल तक रुके तो हम आपको 5 लाख का कैश बोनस देंगे, ठीक है। तो सर ऐसी एक स्कीम का नाम बेटा शेयर बेस्ड पेमेंट। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटा रोकूंगा एक बार, CAIPCC के अंदर अगर आपने ईसोप पर रखा है तो बेटा यहाँ पे जो ईसोप है बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि कई बार आपको लगेगा बिल्कुल सेम है, लेकिन सर इंडेक्स 102 का स्कोप थोड़ा वाइड है, इसलिए बेटा पुरानी बातें बोलकर बिल्कुल नए सिरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर को लगता है कि एम्प्लॉय को रोकने का सबसे बेस्ट फंडा है कि उसका कंपनी में इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, या कभी कभी क्या होता है बेटा एज ए इंसेंटिव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ देना चाहता है साहब, तो उस केस में वो क्या करता है बेटा उसके साथ एक एग्रीमेंट करता है, ठीक है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक्स कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय जी अगर आप हमारे यहां पे 3 साल तक काम करोगे तो हम 3 साल के बाद आपको 10,000 के शेयर बेस्ड पेमेंट देंगे। सर ये शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है? अगर आप हमारे यहां पे 3 साल तक काम करोगे तो 3 साल के बाद हम आपको 10,000 शेयर दे देंगे। एम्प्लॉय कहता है ठीक है सर, आज क्या दोगे? हमने कहा आज एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, और इस एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर आप हमारे यहां पे अगले 3 साल तक काम करोगे तो हम आपको 10,000 शेयर बेस पेमेंट देंगे, और 3 साल के बाद आप आना और उसके बाद क्या करना शेयर लेके चले जाना, ठीक है। एम्प्लॉय कहता साहब 3 साल के बाद शेयर जो मेरे को मिलेंगे क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे या कुछ पैसे देने पड़ेंगे? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई पैसे चार्ज करता है तो वो एग्रीमेंट में लिखा जाता है, उसे हम एक्साइज प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइज प्राइस। अब टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं। सबसे पहले जिस डेट पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है उसे ग्रांट डेट बोलते हैं। जितने टाइम के लिए एज पर एग्रीमेंट एम्प्लॉय काम करेगा उसे बेटा वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। हालांकि सर इंडेस अगर मैं बात करूं 102 के अंदर बेटा, तो वेस्टिंग कंडीशन नॉन वेस्टिंग कंडीशन बेटा बड़ी सारी है। देखिए आगे मैंने बड़े सारे चार्ट बना रखे इसके, लेकिन सर अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय जब 3 साल काम कर लेगा तो उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक पीरियड देगा, जिस पीरियड में एम्प्लॉय क्या करेगा वो अगर पैसे डिसाइड है तो पैसे देके, अगर पैसे डिसाइड है तो विदाउट एनी पैसा दिए वो क्या करेगा बेटा एम्प्लॉयर से शेयर ले लेगा। तो ऐसा पीरियड जिसमें ये डील होगी बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइज पीरियड। क्या बोलते हैं? एक्साइज पीरियड। सर एक काम करते हैं, मैंने अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बना रखा बेटा सामने, इस एग्जाम्पल में जितनी बातें मैं बोलूं सिर्फ उसी में फोकस करना सर, कुछ बातें मैंने जानबूझ के लिख रखी बेटा जो आगे चल के काम आएंगी अभी आप उसे इग्नोर करके चलना। देखिए सर शुरू करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में सर एग्रीमेंट होता है 1 अप्रैल 2018 को बेटा, इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रांट डेट, ठीक है। एम्प्लॉय अगले 3 साल तक काम करे जिसे हम क्या बोलेंगे? वेस्टिंग पीरियड। अगर 3 साल के दौरान एम्प्लॉय काम करना छोड़ देता है तो एम्प्लॉय को कोई भी शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं मिलने वाली, इसलिए बेटा हम यहां पे जो ऑप्शन बोलते हैं उसे बोलते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन, मतलब अधिकार नहीं आया कच्चे ऑप्शन एम्प्लॉय के पास, सर ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आफ्टर 3 ईयर्स एम्प्लॉय को 10,000 शेयर बेस्ड पेमेंट मिलेगी, मतलब शेयर मिलेंगे सर कब? 3 साल के बाद। तो इसलिए शेयर की फेस वैल्यू बेटा मानकर चल रहा हूं 10 रुपए, आज शेयर की मार्केट प्राइस बेटा 93 है। एम्प्लॉय से मान के चल रहा हूं मैं 15 रुपए लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइज प्राइस। एक्साइज प्राइस कब दिया जाएगा? एक्साइज पीरियड में। एक्साइज पीरियड वो पीरियड होता है सर जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में सेटलमेंट करते हैं वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद। सर वेस्टिंग पीरियड जनरली इसलिए दिया जाता है कि कई बार क्या होता है शेयर की वैल्यू गिर जाती है या शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो एक ट्रेंड देखने के लिए कि अल्टीमेट शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी सर एम्प्लॉय को फैसला करना होता है कि उसे शेयर लेने हैं या नहीं लेने, ठीक है। अगर एम्प्लॉय वेस्टिंग पीरियड में काम कर लेता है तो ये मैंडेटरी हो जाता है कंपनी के लिए कि कंपनी उसे शेयर दे, लेकिन
एम्प्लॉय की मर्जी होती है वो ले या ना ले, इसलिए इसका नाम ऑप्शन है। मतलब अगर वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो कंपनी के पास ऑब्लिगेशन आ जाती है और एम्प्लॉय के पास राइट आ जाता है। क्या आ जाता है? राइट। आगे सुनिए सर ध्यान से, इंट्रेंसिक वैल्यू मैंने लिख रखी बेटा, इसे मैं अभी बिल्कुल इग्नोर करके चलूंगा। मैंने कहा ना जो जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ चलेंगे सर, ठीक है। उसको लिखा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस पेमेंट। सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, ये मार्केट प्राइस और शेयर और फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी दो दे रखे, इन दोनों का क्या रोल है? अभी बात करेंगे बेटा इस बारे में, ठीक है। अब एम्प्लॉय ने अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 साल काम किया, ठीक है। 3 साल के बाद वो काम ना भी करे तो भी उसके पास अधिकार आ जाते, इसलिए हमें अपने खर्चे को क्या करना, 3 साल में एलोकेट करना है। किसमें एलोकेट करना? 3 साल में। तो 3 साल में एलोकेट कैसे होगा? इंड एस 102 कहता है एसएलएम लगेगा साहब, बिल्कुल इक्विवेलेंट बांटोगे आप, ठीक। दूसरी बात सर, ये जो खर्चा होगा, ये खर्चा ये बताओ कब का होगा? मैंने कहा कैसे? सर एक तो ग्रांट डेट होगी, मैंने कहा ठीक है, एक वेस्टिंग पीरियड के बाद का पीरियड हो गया, मैंने कहा ठीक है, और एक वेस्टिंग पीरियड होगा। आप सर ये बताओ ये खर्चा कब का होना चाहिए? बेटा आप अपनी कॉमन सेंस से बताओ, क्या ग्रांट डेट पे एम्प्लॉय ने सर्विस प्रोवाइड कर दी? बिल्कुल भी नहीं। एम्प्लॉय ने सर्विस कब दी? 3 साल के वेस्टिंग पीरियड में। अब अगर हम 3 साल के वेस्टिंग पीरियड के बाद खर्चा बुक करेंगे तो कहीं ना कहीं सर अगर आप 3 साल के बाद वेस्टिंग पीरियड के बाद खर्चा बुक करोगे तो उस केस में बेटा ये एक्रुअल सिस्टम नहीं होगा। इसलिए एक्रुअल बेस के हिसाब से आप क्या करोगे, इसे आप इक्विवेलेंट बांट दोगे। क्या करोगे? इक्विवेलेंट बांट दोगे, ठीक है। अब मुद्दा उठता है कि इसे जो खर्चा निकलेगा वो किस बेस पे निकलेगा, क्या मार्केट प्राइस और शेयर के बेस पे निकलेगा या फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी के बेस पे? आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना है यहाँ पे। आपने आज जो दिया, आज आपने शेयर नहीं दिया बल्कि शेयर का एग्रीमेंट दिया है, इसलिए सर शेयर की क्या वैल्यू मेरे लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं रहेगी। सर क्यों रेलिवेंट नहीं रहेगी बेटा? मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि आपने आज शेयर नहीं दिया, आपने क्या दिया? शेयर बेस पेमेंट दिया है। मैं इसे प्यार से ऑप्शन बोलूंगा, हमने क्या दिया आज? ऑप्शन दिया। और जब एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया है तो सर अल्टीमेट हमें खर्चा भी किसका बुक करना चाहिए? सर ऑप्शन का। सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, ये जो ऑप्शन है इसकी वैल्यू किसके बेस पर डिपेंड करेगी? बेटा इसकी वैल्यू बिल्कुल डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ शेयर के बेस पे। लेकिन सर वैल्यू ऑफ शेयर सिर्फ आज की है, लेकिन अल्टीमेट हम एम्प्लॉय को जो शेयर बेस पेमेंट दे रहे हैं वो 3 साल के बाद दे रहे हैं, इसलिए सर अगले 3 साल के मार्केट फैक्टर, नॉन मार्केट फैक्टर बेटा सब कुछ कंसिडर करके आप क्या निकालोगे साहब? आप निकालोगे फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी। हालांकि कुछ फैक्टर आते हैं शेयर फेयर वैल्यू में, कुछ नहीं आते बेटा, वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में आगे चल के डिस्कस करूंगा। बस आप यहां पे ये बात समझिए कि सर आप यहां पे शेयर ना देके क्या देने वाले हो? ऑप्शन देने वाले हो, इसलिए आप जो वैल्यू निकालोगे वो शेयर की वैल्यू ना निकाल के किसकी वैल्यू निकालोगे? आप ऑप्शन की वैल्यू निकालोगे। फिर से बोलो बेटा, किसकी वैल्यू निकालोगे? ऑप्शन की। सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन में दिया मिलेगा, यहां पे बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, वो गलती से कई बार शेयर की वैल्यू ले लेता है ये सोच के कि कंपनी ने शेयर दिए, जबकि बेटा कंपनी ने शेयर नहीं दिए, कंपनी ने तो क्या दिया, कंपनी ने तो ऑप्शन दिए हैं। शेयर तो कंपनी कब देगी? सर 3 साल खत्म होने के बाद देगी। कब देगी? 3 साल खत्म होने के बाद। एक काम करें, मैं आपको यहां तक एक बार मोटे तौर पर रिवाइज करा दूं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जिस दिन एग्रीमेंट होता है ग्रांट डेट बोलते हैं, जितने टाइम के लिए एम्प्लॉय को काम करना पड़ता है वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय को एक टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सर अगर वेस्टिंग पीरियड की बात करें तो ऑप्शन अनवेस्टेड कहलाएगा, एक्सरसाइज पीरियड की बात करें तो वेस्टेड ऑप्शन कहलाएगा, मतलब ऑप्शन पक्का हो जाएगा साहब, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ पैसे ले सकता है साहब, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। और एक्सरसाइज प्राइस एम्प्लॉय को कब देनी पड़ेगी? ड्यूरिंग एक्सरसाइज पीरियड देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते साहब, अब आप जो खर्चा बुक करोगे वो शेयर की वैल्यू बुक ना करके सर ऑप्शन की वैल्यू करोगे, और ऑप्शन की वैल्यू बेटा आगे जितने भी फैक्टर हैं, जो भी आपको डिमांड सप्लाई लगता है, या कभी कभी क्या होता है हम एम्प्लॉय को शेयर दे देते हैं और शेयर देने के बाद पोस्ट वेस्टिंग कंडीशन लगा देते हैं कि भैया वेस्ट होने के बाद आप इसे 2 साल 3 साल तक बेच नहीं सकते, तो उन सारे फैक्टर को बेटा कहां कंसिडर कर लिया जाता है? सब फेयर वैल्यू में कंसिडर कर लिया जाता है। कहां कंसिडर कर लिया जाता है? फेयर वैल्यू में कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते बेटा, उसके बाद एंट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एंट्री की। देखिए साहब, जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया उस दिन आप कोई एंट्री नहीं करोगे बल्कि लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? अपने खर्चे को एलोकेट करोगे। कितने साल में एलोकेट करोगे बेटा? वेस्टिंग पीरियड में। देखिए सर आगे लिखा मैंने एट ईयर एंड, आप ईयर एंड पे सर खर्चा बुक करोगे कैसे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी अकाउंट। मेरी बात को बेटा ध्यान सुनना सर, ये एक रिजर्व बन जाएगा, इसलिए बेटा इसका नाम क्या होगा? इक्विटी सेटलमेंट। क्या नाम होगा? इक्विटी सेटलमेंट, एसबीपी रिजर्व इक्विटी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे साहब? आप पीएनएल में डाल दोगे साहब किसको? खर्चे को। उसके बाद सर अमाउंट कैसे निकलेगा बेटा ध्यान सुनना, अमाउंट निकलेगा एसबीपी एक्सपेक्टेड टू अवेल। क्या वर्ड बोला मैंने? एसबीपी एक्सपेक्टेड टू अवेल इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब मुद्दा उठता है सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कब की आएगी? सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन अगर आप देखोगे तो मैंने अगले 3 साल की दे रखी है आपको, और उसके बाद सर कब की दे रखी है? एक्सरसाइज पीरियड के बाद सेटलमेंट डेट की भी दे रखी है। बेटा यहां पर जो फेयर वैल्यू आएगी वो आएगी ऑन ग्रांट डेट।
क्यों सर बात की क्यों नहीं आएगी बेटा? क्योंकि अल्टीमेट आपने जो एग्रीमेंट किया है, आपने जो सेक्रीफाइस किया है सर, वो कब कर दिया? ग्रांट डेट पे, और आगे फ्यूचर के सारे फैक्टर आप क्या कर चुके होंगे उसके अंदर कंसिडर कर चुके होंगे ऑन ग्रांट डेट। बेटा बिल्कुल दिमाग में डाल ले ये बात, मैं कई बार रिपीट करूंगा और कई कंसेप्ट में काम आएगी कि आप क्या करोगे, फेयर वैल्यू लेके चलोगे साहब ऑप्शन की, किस दिन? ऑन ग्रांट डेट। किसके अंदर? इक्विटी सेटलमेंट के अंदर। किसके अंदर? इक्विटी सेटलमेंट के अंदर। आगे आइए साहब, एसवीपी एक्सपेक्टेड टू अवेल इनटू फेयर वैल्यू इंटू एक्सपायर पीरियड। बेटा जितना टाइम पीरियड पास होता चला जाएगा साहब, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, वहां तक की डेट का टोटल अमाउंट ले लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस घटा देंगे। तो जो बैलेंस आएगा बेटा वो कब का आ जाएगा? आपका करंट ईयर का खर्चा आ जाएगा, जिसको आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? पी एंड एल अकाउंट में। चले आगे। जी सर, अब सर एक वो दिन आ गया जिस दिन आपने सेटलमेंट करनी है। अगर आपने सेटलमेंट करनी है तो आप एम्प्लॉय से क्या करोगे साहब? पैसे मंगाओगे। जो एम्प्लॉय से आप पैसे मंगाओगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज प्राइस। तो जब आप एक्सरसाइज प्राइस मंगाओगे तो आप उस केस में क्या एंट्री करोगे? बेटा उस केस में हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने यहाँ पे मिटा रखा साहब, ये बेटा कोई लाइबिलिटी नहीं, ये भी मेरी एसपीपी रिजर्व बन जाएगा। सर क्यों एसपीपी रिजर्व बन जाएगा? क्योंकि बेटा आप अल्टीमेट क्या करने वाले हो साहब? ऑप्शन को कैपिटल में कन्वर्ट करने वाले हो, और यहाँ पे जो पैसा लिया आपने वो पैसा किसके लिए लिया बेटा? आपने ऑप्शन के अगेंस्ट लिया, इसलिए एसपीपी क्या आएगा? रिजर्व इक्विटी आ जाएगा। और फिर उससे क्या करो बेटा? आप कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दोगे। सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे इस क्वेश्चन में 10,000 ऑप्शन है, ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू कितनी? 75। तो मैंने उस 75 के हिसाब से बुक कर लिया। पहले बेटा 31 मार्च अगर मैं 19 की बात करूं तो क्यूमुलेटिव अमाउंट 2.5 लाख आया, ओपनिंग अमाउंट जीरो होने की वजह से क्या आएगा? 2.5 लाख सारा अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा साहब पी एंड एल अकाउंट में। अगले साल बेटा 2 साल बीत गए तो क्यूमुलेटिव 5 लाख आया, 2.5 लाख ओपनिंग है, तो 2.5 लाख कहां चला जाएगा? पी एंड एल में। फिर क्यूमुलेटिव कितने से आया? 7,50,000 में, जिसमें से 5 लाख माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.5 लाख आ जाएगा। चले सर आगे। जी सर बेटा, उसके बाद हमने एक्साइज प्राइस के हिसाब से मंगा लिया 15 रुपए, और उसके बाद क्या किया सर? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब सर दो चार बातें और डिस्कस करते हैं। सर आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। सर एक बात बताओ, जो एसबीपी है वो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, बहुत सारे एम्प्लॉय को? बेटा एसबीपी बहुत सारे एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कहानी बदल रहा हूँ, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है पिछले एग्जाम्पल से अलग है। कंपनी ने सोचा कि क्यों ना वो अपने एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट इशू करे। जब कंपनी ने डिसाइड किया कि अपने एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट इशू करे, तो उसने क्या किया, एम्प्लॉय की मीटिंग बुलाई और कंपनी ने कहा कि जो मैनेजर एंड उससे अबो हायरार्की वाले बंदे हैं उनको हम पर एम्प्लॉय 100 ईसोप देंगे, 100 ऑप्शन देंगे, 100 शेयर बेस्ड पेमेंट देंगे। तो उस केस में सर क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बेटा हमारे पास मान लो 1000, कितने हैं? 1000, और एक एम्प्लॉय को हम 100 एसबीपी देने वाले हैं। अब बताओ एम्प्लॉय अगले कितने साल तक काम करेगा? सब एम्प्लॉय अगले 3 साल तक काम करेगा, ठीक है। अब अगर एम्प्लॉय अगले 3 साल तक काम करेगा तो हमें इस खर्चे को अगले 3 साल में एलोकेट करना है। अब अगले 3 साल में जो एलोकेट करना बेटा उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना। हुआ कैसा, आपको इस खर्चे को एलोकेट करने के लिए हर ईयर एंड पे खर्चा बुक करना है। हर ईयर एंड पे क्या करना, खर्चा बुक करना है। तो 31 मार्च 2019 को हुआ क्या, हमारे यहां से 30 एम्प्लॉय लेफ्ट, 30 एम्प्लॉय ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, और अभी उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 साल में 45 टू बी लेफ्ट इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। सर क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, मेरा क्वेश्चन ये कि जब आप 31 मार्च 19 को नंबर ऑफ इसोब निकालोगे तो नंबर ऑफ इसोब निकलेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंटू ईसोप पर एम्प्लॉय, शेयर बेस्ड पेमेंट पर एम्प्लॉय, ऑप्शन पर एम्प्लॉय। बेटा मैं कुछ भी बोलूं सेम मतलब मान के चलना, ठीक है। मैं बार बार कोशिश करूंगा ऑप्शन बोलने की यहां पे, ठीक है। तो सर कितने एम्प्लॉय लेके चलेंगे, क्या 970 लेके चलें या 925 लेके चले? बेटा कई बच्चों को लगता है कि यहां पे 970 आएगा क्योंकि आप ईयर एंड का खर्चा निकाल रहे हो। बेटा हम ईयर एंड का कभी खर्चा निकालते नहीं, हम तो क्या करते हैं बेटा, टोटल खर्चा निकाल के उसे एलोकेट करते हैं। मेरी वर्डिंग सुनना, हम यहां पे ईयर एंड का खर्चा नहीं निकालते, बल्कि हम क्या करते हैं, टोटल खर्चा निकाल के उसे ईयर एंड पे एलोकेट करते हैं। इसलिए उसे ईयर एंड पे जो हम एलोकेट करते हैं बेटा, तो हम यहां पे जो एम्प्लॉय लेके चलेंगे सर, वो ये लेके चलेंगे कि अगले 3 साल तक कितने एम्प्लॉय है जो इस पर्टिकुलर स्कीम में वेस्ट कर पाएंगे। इसलिए सर हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड बेस पे लेते हैं, और हमेशा ये इंफॉर्मेशन बेटा हम क्या करते हैं, लेटेस्ट लेते हैं। सर अब इसके ऊपर अलग अलग एंगल से क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन कहेगा 30 एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, 45 और छोड़ेंगे तो आप ऐसे करेंगे। कई बार क्वेश्चन कहेगा 30 ने छोड़ दिया और अगले 2 साल लेबर टर्नओवर रेशियो 2% है, तो उस केस में आप पता क्या करेंगे, पहले घटाएंगे कितना 30, फिर 0.98 0.98। कई बार क्वेश्चन क्या कहेगा कि ड्यूरिंग दिस स्कीम हमें उम्मीद है
कि टोटल एम्प्लॉय 5% पर एनम छोड़ेंगे ड्यूरिंग द स्कीम बोला मैंने, तो उस केस में आप एक्चुअल को इग्नोर कर दोगे, आप क्या करोगे 0.95, 0.95, 0.95, ठीक है। तो सर इस तरह से डेटा वो घुमा सकता है किसी भी तरीके से ना, तो आपको बेटा बड़े ध्यान से रीड करना है और आपने ये देखना कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है रेंट पे उसके हिसाब से चलेंगे। इसलिए मैंने कुछ नोट बना रखे, नोट नंबर 1 देखिए मेरे साथ साथ क्या लिखता है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईसोप अवेल्ड बेटा शेयर बेस्ड पेमेंट अवेल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू अवेल इनटू एसबीपी पर एम्प्लॉय। तो मैंने यहाँ पे बोला नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू अवेल, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू अवेल कैसे निकलेगा, फॉर दिस यूज एचआर डिपार्टमेंट डेटा। सर जो एचआर डिपार्टमेंट डेटा है बट वो टेक्निकल कैलकुलेशन करके रखता है कि कितने परसेंट एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेशियो के अंदर आएंगे, तो उस हिसाब से बेटा आप क्या करेंगे, आप उसके हिसाब से लेके चलेंगे। इफ इट इज मिसिंग देन यूज एक्चुअल डेटा। अगर मान लो क्वेश्चन ने कहा भैया ईयर एंड पे 30 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और कुछ दिया ही नहीं, तो उसके हम क्या करेंगे 970 के हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा नोट नंबर 2, 3 अभी मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं बेटा, सुनिए मेरी बात ध्यान से ना। सर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर सर हमें ऑप्शन की फेयर वैल्यू नहीं दी होती। अगर ऑप्शन की फेयर वैल्यू नहीं दे रखी तो बेटा मेरी मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि मैं फिर शेयर की वैल्यू यूज करूंगा। लेकिन अगर शेयर की वैल्यू की मैं बात करूं तो बेटा शेयर की वैल्यू के अगेंस्ट तो एम्प्लॉयज आप कुछ पैसे लेंगे। ऐसे समझे जैसे मान लो 1000 रुपए की कोई चीज है और मैंने आपसे 200 रुपए लिए और वो 1000 वाली चीज दे दी, तो अल्टीमेट मेरा खर्चा कितने का 800 रुपए का। तो सर अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा फेयर वैल्यू एक रियलिस्टिक वैल्यू होती है, किसकी फेयर वैल्यू, ऑप्शन की। लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन की फेयर वैल्यू ना दे रखी हो तो उसके बेटा हम क्या यूज करते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू यूज करते हैं। और इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितने से 93 से, ऑन ग्रांट डेट, मेरी बात सुनना मैंने क्या बोला, ऑन ग्रांट डेट माइनस कैग एक्साइज प्राइस, तो अल्टीमेट 78 के हिसाब से आप क्या करेंगे इसे बुक कर लेंगे। आगे चलिए साहब, ऑप्शन लेफ्ट ड्यूरिंग एक्साइज पीरियड। सर अगर ऑप्शन छोड़ देते बेटा कब, एक्साइज पीरियड में, तो सर इंडेक्स कहता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वुड नॉट चेंज। सर कैसे, आप मेरी बात समझो बेटा, मान लेते हैं हमारे यहां पे कितने थे 10,000 ऑप्शन थे और 10,000 ऑप्शन ने मना कर दिया बाद में शेयर लेने से, एक मिनट के लिए मान के चलो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10,000 ऑप्शन का मैं जो खर्चा बुक कर चुका हूं 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 7.5 लाख का मैं रिजर्व बुक कर चुका हूं, किसके अंदर, एसबीपी रिजर्व के अंदर, किसके अंदर, एसबीपी रिजर्व इक्विटी के अंदर, ठीक है। तो इंडेक्स 102 कहता भैया एक बात याद रखना कि आपने जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस रिकॉर्ड कर लिया उसे रिवर्स नहीं करेंगे, आप उसे क्या नहीं करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे। दूसरी बात, नोट प्रीक्लूड एंटिटी फ्रॉम रिकॉग्निशन इट ट्रांसफर विद इन इक्विटी। बेटा इक्विटी के अंदर एक आता शेयर कैपिटल, एक आता अदर इक्विटी, और अदर इक्विटी में अलग अलग हेड दिए होते हैं, तो एक हेड बना होगा आपके पास किसके नाम से, एसबीपी रिजर्व इक्विटी के नाम से। तो जो एसबीपी रिजर्व इक्विटी का हेड है आप सर उसे चाहो तो क्या कर सकते हो, दूसरे किसी हेड में ट्रांसफर कर सकते हो। इसने बेटा ये बोल दिया नोट प्रीक्लूड, अब मतलब इक्विटी के दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते, नोट प्रीक्लूड का मतलब बेटा नहीं रोक रहा इंडिया आपको कहीं और ट्रांसफर करने से, लेकिन कहीं और बेटा पीएनएल में नहीं लेके जा सकते। इसलिए सर मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पे लाइक, मतलब ये बेटा उन्होंने क्लियर नहीं बोला लेकिन इंटरप्रिटेशन यही निकल के आएगी कि आप या तो उसे जर्नलिज्म में लेके जाएंगे या कहां लेके जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाएंगे साहब, ठीक है। चले आगे, जी सर आगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकलेगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी प्लस एक्साइज प्राइस माइनस फेस वैल्यू, ठीक है। अब सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे बेटा, और मैं फिर कहूंगा बेटा पोज करके क्वेश्चन पढ़ लें एक बार आराम से। एबीसी लिमिटेड ग्रांटेड टू इट्स एम्प्लॉई शेयर ऑप्शन विद ए फेयर वैल्यू ऑफ INR 5 लाख। इन्होंने तो सर कुछ छोड़ा ही नहीं, इन्होंने ना नंबर दिया कुछ नहीं दिया, फेयर वैल्यू दे दी एस ऑप्शन की पूरी निकाल के 5 लाख 1 अप्रैल को। इफ दे रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू 31 मार्च 2023, अगर वो अगले 3 साल तक रुकते हैं, 31 मार्च 2021 को बेटा आपको उम्मीद है कितनी, 91% की, और उसके बाद उम्मीद कितनी है साहब अगले साल 89 की, और उसके बाद कितनी है 82 की, एंट्री पास करें। और बेटा इसका खर्चा निकलवा दूं एक बार, हाँ सर एक बार देख लो, 91, 89 और 82। तो पहले साल कितना बेटा 5 लाख का 91%, फोर फिफ्टी फाइव, 5 लाख का 89%, 445, और उसके बाद 5 लाख का 82%, 4 लाख 10,000। अब आप मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से,
ये जो खर्चा सर, इसमें से एक साल टाइम पीरियड एक्सपायर हो तो पहले साल का बुक करेंगे, 4/55/3 तो 151,667। एंट्री क्या करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व इक्विटी अकाउंट, ओपनिंग जीरो है तो इतने अमाउंट से ही खर्चा बुक हो जाएगा। सेकंड ईयर में क्या करेंगे बेटा, दो साल का बुक कर लेंगे यहाँ पे, तो 445/3 × 2 कितने से आएगा ये, 296,667 - 151,667 तो यह आ जाएगा बेटा कितने से, 1,45,000। अगर आप यहां पे देखोगे तो 4-10 क्यूमुलेटिव आ गया 3/3, और इसमें से 29,667 माइनस कर देंगे तो कितने से आएगा बताइए, 113,334। बेटा यहां पे अब ये नहीं बता रहा कि कितने नंबर ऑफ शेयर है, तो आप एक काम करें साहब, एग्जाम पर्पज के लिए जहां पे क्लैरिटी नहीं, तो आप क्या करेंगे लास्ट में जब कन्वर्ट करोगे तो आप एंट्री करोगे SBP रिजर्व इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अकाउंट। जब आप इक्विटी लिखोगे तो उसका मतलब है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगा और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। जी सर, बेटा आगे सुनिए ध्यान से मेरी बात। सर इक्विटी सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप एक्साइज पीरियड में एम्प्लॉय को क्या दोगे, इक्विटी दोगे। ठीक है सर, दूसरी सेटलमेंट का नाम होता है कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट का मतलब है एक्साइज पीरियड में आप एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर ना देके क्या देने वाले साहब, कैश देने वाले हो। क्या देने वाले हो, कैश। आओ बेटा थोड़ा सा डिटेल में समझते, देखिए मेरी बात सुनना। हमने एम्प्लॉय को कहा कि आप हमारे यहां पे 3 साल काम करो, 3 साल के बाद हम क्या करेंगे, जितने हमारे शेयर की फेयर वैल्यू होगी, वर्डिंग सुनना, मैंने इस बार ऑप्शन की फेयर वैल्यू नहीं, मैंने क्या बोला, शेयर की फेयर वैल्यू होगी, हम उसके बराबर पैसे देंगे। या हमने एम्प्लॉय को कहा भैया जितने हमारे शेयर की फेयर वैल्यू होगी उसमें से जितने पैसे हम आपसे आज डिसाइड करेंगे एक्साइज प्राइस के, वो पैसे काट के बाकी पैसे देंगे। तो बेटा कैश सेटलमेंट में 2-4 बातें अलग है। पहली बात, खर्चा एज इट इज एलोकेट होगा जैसे करते आए हो, ठीक है। दूसरी बात, कैश पेमेंट के अंदर बेटा आपका लाइबिलिटी कंपोनेंट आएगा ना कि इक्विटी कंपोनेंट, इसलिए आप एंट्री करोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। क्या एंट्री करोगे, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। अगली बात, बड़े ध्यान सुनना साहब, एक बार मैं आपको इक्विटी सेटलमेंट में दोबारा लेके आना चाह रहा हूं। इक्विटी सेटलमेंट में आप एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर दोगे, अब अल्टीमेट एम्प्लॉय के हाथ में शेयर चले जाएंगे तो एम्प्लॉय की जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ हो जाएगी इक्विवेलेंट टू शेयर वैल्यू। मैंने क्या और बोला, इक्विवेलेंट टू शेयर वैल्यू एज रिड्यूस बाय एक्साइज प्राइस। इसलिए सर सेटलमेंट डेट पे जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश सेटलमेंट देता है तो उस केस में बेटा जो पैसा दिया जाता है सर वो बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू दी जाती है। कौन सी वैल्यू दी जाती है बेटा, लेटेस्ट वैल्यू। इसलिए सर हम यहां पे हमेशा जो फेयर वैल्यू यूज करेंगे बेटा वो फेयर वैल्यू यूज करेंगे ऑन रिपोर्टिंग डेट। आप मेरी बात को ऐसे समझिए, आज अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आते हैं, अगर मेरे ऑप्शन की फेयर वैल्यू 75 है, इसका मतलब अगर मैं आज एम्प्लॉय को कैश देता तो 75 देता, अगर एक साल के बाद एम्प्लॉय को मैं कैश दूंगा तो बेटा वो कैश किसके बराबर लेगा, वो ऑप्शन की फेयर वैल्यू के बराबर लेगा, और वो फेयर वैल्यू जो एक साल के बाद है वो किसके बराबर पैसे लेगा, उस फेयर वैल्यू के बराबर जो फेयर वैल्यू कब है, एक साल के बाद है। इसलिए हम कैश सेटलमेंट के अंदर सर जो भी फेयर वैल्यू लेके चलेंगे वो हमेशा रिपोर्टिंग डेट की लेके चलेंगे। सर देखिए यहां पे आइए एक बार आप, मैंने सबसे पहले बोला फेयर वैल्यू ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ग्रांट डेट। तो सर ये बात अब हमने दिमाग में डाल लें, इक्विटी सेटलमेंट में हमेशा फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की आती है, कैश सेटलमेंट में सेटलमेंट डेट की आती है, लेकिन अगर वेस्टिंग पीरियड है तो आप जो भी लायबिलिटी बुक करोगे वो हर रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू बुक करोगे। किस पे बुक करोगे, हर रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू पे। एसबीपी लायबिलिटी इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ एसबीपी रिजर्व इक्विटी, ये बात हो चुकी है। इफ वेस्टिंग पीरियड इज गिवन देन एलोकेट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ओवर ए पीरियड, सर नॉर्मली जैसे हम पहले करते आए हैं। इफ वेस्टिंग पीरियड इज नॉट गिवन देन रिकॉग्नाइज एसबीपी लायबिलिटी ऑन ग्रांट डेट एंड रिवैल्यूड ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट। सर ये क्या मतलब है बेटा, इस बात को मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। पढ़ दिया मैंने, हो सकता कुछ बच्चों को समझ में आ गया, हो सकता अभी दिक्कत रह रही हो, अभी बात करेंगे। और सेटलमेंट डेट पर हम क्या करेंगे, एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। सर ये सब क्या है बेटा, अभी आप इस एंट्री को भूल जाओ, मैं एक काम करता हूं, एक बार आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर इसके ऊपर आऊंगा बेटा। सर कैश सेटलमेंट को मैंने बहुत डिटेल में कराना, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने, आइए मेरे साथ साथ एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। साहब XYZ लिमिटेड इशू 10,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट, बट मैं अभी आपको बात करूंगा कि शेयर एप्रिसिएशन राइट। देखिए अब अभी बात ही कर लेते हैं।
सर आप पहले ईसोप और शेयर एप्रिसिएशन राइट बोलते थे ओल्ड कोर्स के अंदर। सर ईसोप का मतलब होता है इक्विटी सेटलमेंट और कैश सेटलमेंट है बेटा किसका मतलब एसएआर का, ठीक है। तो एसएआर को आप कैश सेटलमेंट बोल सकते हैं, मैं लिखवा भी दूंगा आपको अभी ना। दैट वेस्ट इमीडिएटली टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 10। सर देखिए ध्यान से, यहां पर उसने बोला दैट वेस्ट इमीडिएटली, मतलब ये कभी भी वेस्ट हो सकता साहब। 1 अप्रैल को बेटा ये क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। द एसएआर विल बी सेटल्ड इन कैश एट दैट डेट, इट इज एस्टिमेट दैट यूजिंग एन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल दैट द फेयर वैल्यू ऑफ एसएआर कितने से 95 से। एसएआर कैन बी एक्साइज्ड ओ एनी टाइम अप टू 31 मार्च 3। सर आज ही वेस्ट करने का ऑप्शन दे दिया और 3 साल दे दिया, आप क्या कर सकते हो, अगले 3 साल तक सेटल कर सकते हो। एट द एंड ऑफ पीरियड ऑन 31 मार्च 1 इट इज एक्सपेक्टेड 95% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय विल एक्साइज द ऑप्शन। 92% कब है बेटा, अगले साल, और फाइनली कितने 89%, कितने 89% फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। सर ये फेयर वैल्यू दे दी, आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इफ वेस्टिंग पीरियड इज नॉट गिवन देन रिकॉग्नाइज एसपीबी लायबिलिटी एट ग्रांट डेट, ऑन ग्रांट डेट। हमने एम्प्लॉय को कहा भैया हम आपको जब चाहे क्या कर सकते हैं साहब, हम आपको कैश इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू दे सकते हैं। तो सर इस केस में आप क्या करोगे, सारा का सारा अमाउंट ग्रांट डेट पे बुक कर लोगे। हाँ अगर मान लो वेस्टिंग पीरियड दे दे तो क्या करेंगे आप, एलोकेट करके दिखाएंगे। मैं क्वेश्चन 3 को आपको अलग अलग एंगल से कराऊंगा साहब, अलग अलग 2 एंगल से कराऊंगा। पहला बेटा एक काम करते, स्टडी मैट का सोल्यूशन ही देख लेते। देखिए स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, 95 के हिसाब से 100% लाइबिलिटी बुक कर लोगे। फिर सेकंड ईयर में क्या करोगे आप, 95% के हिसाब से ये लाइबिलिटी बुक कर लोगे टोटल, और इसमें से ओपनिंग घटा दोगे तो बेटा क्या जाएगा, करंट ईयर का खर्चा आ जाए। ऐसे सेकंड ईयर के एंड में और ऐसे ही थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है। सर ये देखिए आपने ये एंट्रियां कर ली, ये पेमेंट कर दी। अब सर इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप देखिए, मैंने क्या लिखवा बेटा, ये स्टडी मैटर ने दे रखा लेकिन हमने समझाने के लिए अपनी तरफ से कवर कर रखा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पर एनम इफ एसएआर कैन बी एक्साइज्ड ओनली एज एट 31 मार्च 3 आफ्टर वेस्टिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब आप बीच में एक्साइज कर ही नहीं सकते, अगर आप बीच में एक्साइज नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, इस अमाउंट को 3 साल में एलोकेट करोगे। कैसे एलोकेट करोगे बेटा, देखिए मैंने पूरा पूरा सोल्यूशन दे रखा है, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि एग्जाम के अंदर आप इसी फॉर्मेट को यूज करें। अभी तक सर आपने ये फॉर्मेट क्यों डिस्कस नहीं किया बेटा, सही वक्त आने पर सही चीजें डिस्कस होती है। देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ एसबीपी लायबिलिटी ऑन रिपोर्टिंग डेट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पर एनम। कहता नंबर ऑफ एसएआर एक्सपेक्टेड टू सेटल, सर वर्डिंग सुनी, जहां पे मैं बोलूंगा इक्विटी सेटलमेंट आप हमेशा लिखेंगे एक्सपेक्टेड टू अवेल। सर कहां क्या बात कर दिया आपने, देखिए ना दोस्त मैंने यहां पे लिखवा रखा बेटा क्या, इक्विटी सेटलमेंट में एसबीपी एक्सपेक्टेड टू अवेल, और यहां पे क्या लिखवा रखा बेटा मैंने, एसबीपी एक्सपेक्टेड टू सेटल। चले आगे जी सर, फेयर वैल्यू ऑफ एसएआर ऑन रिपोर्टिंग डेट, मैंने वहां पे क्या लिखा था बेटा, ग्रांट डेट, यहां पे क्या आएगा रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। 10,000 इसोप है, 95% की उम्मीद है कि सर सेटल करेंगे, ₹112 बेटा फेयर वैल्यू उस दिन की। तो आप क्या करेंगे सर, इसे एलोकेट कर देंगे 3 साल में, और ओपनिंग बैलेंस नहीं लेटा, इसे 3 साल के हिसाब से कर लेना, और इसका मैंने यहां पे सॉल्यूशन करा दिया, ठीक है, आप इस सॉल्यूशन को देख लेना। चले जी सर, बेटा मेरी 2-4 बातें और हैं, हालांकि स्टडी मैट उस गहराई तक नहीं पहुंची है, लेकिन बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टडी मैट ने थ्योरेटिकली इस बात को डिस्कस किया हुआ है। सर मैं थोड़ा सा आपको फेयर वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू में लिंक करना चाहूंगा। आइए साहब, हमारे इस एग्जाम्पल में जो मैंने स्टार्ट किया था सर, फेयर वैल्यू ऑफ एसपीबी 75 थी और इंट्रेंसिक वैल्यू 78 थी। सर एक्चुअली क्या है, आप अल्टीमेट एम्प्लॉय को शेयर देने वाले हो, इसलिए सर जो भी ऑप्शन की वैल्यू निकलेगी उसमें जो सबसे बड़ा रोल रहेगा वो रोल रहेगा शेयर की वैल्यू का। हालांकि साथ में कुछ रोल आ जाएगा किसका, शेयर की वैल्यू के साथ वेस्टिंग पीरियड का, सर मार्केट कंडीशन का, ये सब बातें बेटा हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर ये आगे फ्यूचर के फैक्टर की वजह से सब आपका जो ऑप्शन है बेटा उसके फेयर वैल्यू में चेंज आ गया। लेकिन अगर मैं आज एम्प्लॉय को ये कहता हूं, मेरी वर्डिंग बोला सुना, मैंने बोला आज एम्प्लॉय को मैं कहता हूं मैं तुम्हें 100 का शेयर ₹20 में दे रहा हूं, तो उस केस में इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी बनेगी, ₹80। लेकिन अगर आज की मैं बात करूं और कोई वेस्टिंग कंडीशन वगैरह नहीं है तो बेटा उस केस में ऑप्शन की फेयर वैल्यू भी ₹80 बन जाएगी। सर क्या बात कर दी आपने बेटा, आप बताओ ना, फेयर वैल्यू में कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से चेंज होता है। अब जब फैक्टर होंगे ही नहीं, हम कहते हैं आज आओ ₹20 दो और ₹100 का शेयर लेके चले जाओ, तो अल्टीमेट हमने एम्प्लॉय को ₹80 की कॉस्ट बियर कर ली बेटा। हमने एम्प्लॉय के लिए क्या किया, ₹80 की कॉस्ट बियर कर ली। तो सर इस बात को कैसे समझाऊं मैं आपको, ऐसे समझाता हूं बेटा। देखिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा बड़ा प्यारा सा यहां पे ना, ये देखिए फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ एसबीपी, क्या ऐसा होता है।
इजिट, इज इट ट्रू? कहता नो ऑन ग्रांट डेट, यस ऑन सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट पे ऐसा ही होता है, इसलिए सर आप क्या करेंगे, सेटलमेंट डेट अगर मान लो आपकी ईयर एंड है तो उस केस में सर आप ऑलरेडी उस वाली वैल्यू को रिकॉर्ड कर चुके होंगे, किसके साथ, सेटलमेंट करते हुए। आप ईयर एंड का जब खर्चा निकालोगे तो उसके साथ सर आपने क्या किया होगा, आपने एक तरीके से कहीं ना कहीं सर फेयर वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू का इंपैक्ट दे दिया होगा। लेकिन मान लो मेरा वेस्टिंग पीरियड सर 3 साल है और उसके बाद 6 महीने और मिल गए, तो जब 6 महीने के बाद आप पेमेंट करने जाओगे तो एम्प्लॉई जिस दिन आपसे शेयर लेगा, एम्प्लॉई उस दिन के हिसाब से आपसे पैसे लेगा। इसलिए बेटा आप वहां पे क्या यूज करोगे, इंट्रेंसिक वैल्यू। तो मैंने यहां पे लिखवाया सर जो कैश एंड बैंक दोगे आप किसके हिसाब से दोगे साहब, इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से, और इसका डिफरेंस जो भी आएगा वो कहां डाल दोगे, शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंसिस के अंदर, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसिस के अंदर। ठीक है, इस बात को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए, कि बेटा थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों टफ नहीं है। देखिए, एम्प्लॉई को मैं 3 साल का वेस्टिंग पीरियड देता हूं तो मैं 3 साल की रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से क्या करूंगा, अपने खर्चे को रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन अगर मैं 3 साल के बाद एम्प्लॉई को पेमेंट करने जाऊंगा तो एम्प्लॉई मेरे से जो पैसे लेगा वो वेस्टिंग पीरियड के बाद की वैल्यू नहीं लेगा बल्कि सेटलमेंट डेट की वैल्यू लेगा। इसलिए सेटलमेंट डेट पे मैं उसे जो पैसे पे करूंगा मैं इंट्रेंसिक वैल्यू के बराबर पैसे पे करूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि वही इंट्रेंसिक वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, फेयर वैल्यू ऑप्शन बन जाएगी, किस दिन, ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। इसलिए बेटा कैश एंड बैंक में जो आएगा इंट्रेंसिक वैल्यू आएगा, और आप जो डेबिट करोगे वो किसको करोगे, बुक वैल्यू का डिफरेंस कहां चला जाएगा, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में। बेटा मैंने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करा रखा है इसके ऊपर विद सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 18 ही है अपना। ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से इंसर्ट कर रखा बेटा, क्योंकि हमें लगता है कि इंस्टीट्यूट को अगर थोड़ा सा भी कैश सेटलमेंट में एक अच्छा क्वेश्चन देना है तो मान के चलो बेटा यही देगा वो, ना बिल्कुल डिटो यही देगा, हल्का फुल्का सर इसके जो डिजिट है बेटा उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, एन एंटिटी ग्रांट 150 कैश शेयर एप्रिसिएशन राइट, मतलब कैश सेटलमेंट है बेटा। आप पोज करके क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ ले, मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूं उसके बाद। ठीक है, टू इच 500 एम्प्लॉइज ऑन कंडीशन दैट द एम्प्लॉय रिमेन इन इट्स एम्प्लॉय फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, बेटा कंपनी के पास वो अगले 3 साल तक रहेंगे। बेटा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे, बताओ ना सर जब भी आप बेटा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करें तो आप हमेशा डायग्राम बनाएं। हालांकि मैंने यहाँ पे बेटा डायग्राम ज्यादा नहीं बना रखे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम के साथ ही करवाऊंगा। आइए मेरे साथ साथ देखिए, डायग्राम की जगह हमें यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगी, कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया कि आप हमारे यहाँ पे क्या करो, 3 साल तक काम करो। ड्यूरिंग ईयर 135 एम्प्लॉय लीव, और एंटिटी ने एस्टिमेट किया कि 60 और छोड़ देंगे, कब, सेकंड और थर्ड ईयर में। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बनवा देता हूँ आपको ना अच्छे से। बट आप एक काम करेंगे, अपने जो आपको ये नोट्स है मैं मान के चल रहा हूँ आपने इसका प्रिंट आउट ले रखा होगा, तो आप क्या करेंगे अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना हो सकता है आपके थोड़ा सा टफ काम हो जाए। सर 3 साल है, हालांकि डायग्राम 5 साल का बनेगा क्योंकि इसमें आगे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दे रखी है, तो पहले मैं 3 साल के हिसाब से बात करूंगा आपसे, 2-3 ये बाद की बात करेंगे। ठीक है, चले आपने क्या किया, 500 एम्प्लॉय को बोला कि भैया हम आपको 150 के हिसाब से क्या करेंगे, ऑप्शन देंगे। अब 500 में से सर क्या हुआ, पहले साल के आखिर में 40 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। देखिए 40 छोड़ के चले गए ना, 35 छोड़ के चले गए, तो कितने से आएगा ये 465 से, कितने से आएगा 465 से, और उम्मीद की जा रही है कि आगे कितने और छोड़ देंगे, 60 और छोड़ देंगे। तो अगर 35 ने छोड़ दिया है तो उसके इसमें 465 बच गए, लेकिन हमें लेना है अल्टीमेट कितने बचेंगे, तो अल्टीमेट बेटा 60 और छोड़ देंगे तो 405 आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड ईयर में वो कहता भैया कितने एम्प्लॉई और छोड़ गए, 40 ने और छोड़ दिया सेकंड ईयर में, 465 माइनस 40 425 बच गए, लेकिन अभी उम्मीद है कितने और छोड़ देंगे, बेटा अभी उम्मीद है कि आगे चल के 25 एम्प्लॉई और छोड़ने वाले, तो यहाँ पे कितने एम्प्लॉई आ जाएंगे, 400 एम्प्लॉई आ जाएंगे। थर्ड ईयर के आखिर में देखेंगे आप ध्यान से, तो थर्ड ईयर के एंड में उसने क्या कहा साहब कि 22 एम्प्लॉई और छोड़ के चले गए, अगर 22 एम्प्लॉई और छोड़ के चले गए बेटा तो यहाँ पे 403 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 403। तो आप जो खर्चा निकालोगे पहले साल का 405 एम्प्लॉई का निकालोगे, 150 ईसोप देंगे, और जो फेयर वैल्यू ऑफ ईसोप लेके चलोगे बेटा आप ईयर एंड की 13.40-13.50, मैं 2 साल का करा रहा हूं, अभी तीसरे साल की बात करते हैं। ठीक है, तीसरे साल क्या होता, अगर तीसरे साल सारे के सारे जो एम्प्लॉई हैं अगर वो सेटलमेंट कर लेंगे तो बेटा उस केस में हम तीसरे साल में क्या करेंगे साहब, इंट्रेंसिक वैल्यू यूज करेंगे ना कि फेयर वैल्यू। लेकिन सर इस क्वेश्चन ने तो कुछ और ही मंजूर है, देखिए आगे क्या कहता वो, वन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 150 एम्प्लॉय एक्साइज देयर एसआर, 150 ने क्या किया साहब एक्साइज कर लिया, अनदर 140 एम्प्लॉय एक्साइज देयर ऑप्शन कब, फोर्थ ईयर में, और 113 ने कब किया सर, 5वें साल के आखिर में। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो 403 एम्प्लॉय में से 150 ने सेटल कर लिया, 253। मेरे पास सर यहां पे खर्चा निकालने के दो तरीके हैं, पहला मैं क्या करूं 403 को
16.20 के हिसाब से रिकॉर्ड करूं और फिर 150 को क्या करूं 14 रुपए के हिसाब से पेमेंट करूं और इसका जो डिफरेंस है 150 के लिए उसको क्या करूं साहब अलग से खर्चा बुक करूं। लेकिन बेटा हमने टेबल इतनी प्यारी बना दी है, हमने इन सारी चीजों से मुक्ति दिलवा दी आपको। देखिए ध्यान से, थर्ड ईयर के एंड में हम कहते हैं भैया एक बात बताओ एम्प्लॉय कितने, हमने कहा 403। अच्छा 403 में से सेटल कितने की, हमने कहा 150। अगर 150 ने सेटल कर लिया तो आप क्यों झमेले में पड़ रहे हो, 150 को बुक ही 14 से कर लो। क्योंकि अगर आप 14 से बुक करोगे तो ऑटोमेटिक बेटा बैलेंसिंग फिगर जो करंट ईयर उसमें एडजस्ट होकर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर सेटलमेंट होती है कब सर, ईयर एंड पे, तो उस केस में अगर कुछ एम्प्लॉय सेटल करते हैं तो उतने एम्प्लॉय की इंट्रेंसिक वैल्यू, लेकिन अगर सारे सेटल करते हैं तो सबकी इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से आप क्या करेंगे खर्चा बुक करेंगे, और जितनों की सेटलमेंट नहीं होती उनको आप किसके हिसाब से रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो बेटा इस टेबल को बड़े ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एसएआर एक्सपेक्टेड टू सेटल इनटू फेयर वैल्यू ऑन रिपोर्टिंग डेट डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू क्या एक्सपायर्ड पीरियड, ठीक है, प्लस एसएआर सेटल्ड इनटू इंट्रेंसिक वैल्यू ऑन सेटलमेंट डेट। तो मैंने क्या किया कंबाइन निकाल दिया, इसमें से ओपनिंग माइनस कर दिया, तो सर ये करंट ईयर का खर्चा आ गया। अब मुद्दा ये उठता बेटा कि फोर्थ ईयर में क्या करेंगे, लेकिन सर यहां पे बच्चे को एंट्री को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है तो मैं साथ साथ एंट्री बोलता हूं। पहले साल आप एंट्री करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट 251100 से। सेकंड ईयर में एंट्री करोगे आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट 288900 से। सर थर्ड ईयर में आप एंट्री करोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी 389790 से। सारा खर्चा बुक हो गया, हाँ साहब। अब इसमें सर 3/15 पे क्या करोगे बैंक से पेमेंट कर दोगे ये वाली ना। तो बेटा हमने इस टेबल में कवर कर लिया इसको, तो आप एंट्री क्या करोगे एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और उसके बाद सर इस ओपनिंग बैलेंस को कैरी करेंगे। बच्चा यहां पे कहता है सर ओपनिंग बैलेंस 92970 नहीं आना चाहिए, बेटा बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन उसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 315000 की इस अमाउंट में से क्या हो चुकी पेमेंट हो चुकी। जब इस अमाउंट में से इस 9/9 में से पेमेंट हो चुकी तो मेरा लायबिलिटी का बैलेंस ये बचा, ठीक है। अगर आप फोर्थ ईयर में देखोगे ध्यान से, तो फोर्थ ईयर में सर मेरे पास 253 एम्प्लॉय थे, जिसमें से क्या किया साहब 140 ने तो सेटल कर दिया, 113 को मैं क्या करूंगा सर रिवाइज कर दूंगा किससे फेयर वैल्यू ऑन रिपोर्टिंग डेट से, और इसको किस पर रिकॉर्ड कर लूंगा बेटा मैं इसको बुक कर लूंगा मैं इंट्रेंसिक वैल्यू के बेस पे। तो इस क्वेश्चन को सर आगे आप कर लेना, लेकिन यहां पे ध्यान देना कि जितना अमाउंट आपने सेटल कर दिया उसकी बैंक की एंट्री भी डालते रहना, अगर आप लेजर बना के देखोगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा नलीफाई अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं एम्प्लॉय को सर ग्रेड बेस पे क्या देते हैं ऑप्शन देते हैं। ग्रेड बेस का मतलब क्या है कि अगर तुम हमारे यहां पे 3 साल काम करोगे तो पहले साल में हम तुम्हें 100 ही सौंप देंगे, दूसरे साल में सर 200 देंगे, तीसरे साल के बाद 300 देंगे। तो आप क्या करेंगे जो पहले साल 100 है उसका खर्चा उसी साल बुक कर लेंगे, जो 200 है उसका खर्चा 2 साल में एलोकेट करोगे, जो 300 है उसका खर्चा क्या करोगे आप 3 साल में एलोकेट कर लेंगे। इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका ये मैंने सोल्यूशन दे रखा, आप यहां से नोट कर लेना इसको ना। क्वेश्चन नंबर 14 की झलक भी दिखा देता हूं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 14 है साहब, जिसमें उसने क्या किया साहब 3 साल के हिसाब से ग्रेड सिस्टम दिया, ठीक है। चले आगे, हाँ साहब आइए बेटा मेरे साथ साथ, अब मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूं जहां पे मैंने एक दो पॉइंट छोड़ रखे थे। आइए सबसे पहले वो कहता साहब टाइप्स ऑफ एसबीपी इक्विटी सेटलमेंट, बेटा इक्विटी सेटलमेंट को हम प्यार से ईसोप भी बोल देते हैं, ठीक है। कैश सेटलमेंट का मतलब होता है बेटा एसएआर, क्या मतलब होता है एसएआर, ठीक है। अब सर आइए शुरू से आइए एक बार पॉइंट नंबर 2 पे, रिकॉग्निशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, कहता साहब शेयर बेस्ड पेमेंट को कब रिकॉर्ड करेंगे, कहता अगर गुड्स और सर्विस रिसीव्ड है या रेंडर्ड है, तो जब गुड्स और सर्विस आई है, अगर सर्विस रिसीव्ड है साहब वेस्टिंग पीरियड में, तो उस केस में आप क्या करेंगे ओवर वेस्टिंग पीरियड गुड्स और सर्विस है तो उसे क्या करेंगे साहब ओवर वेस्टिंग पीरियड में एलोकेट करोगे। जैसे एम्प्लॉय ने मान लो हमने एम्प्लॉय को कहा आओ आज ही आओ और आज ही सेटलमेंट कर लो, तो बेटा उस केस में हम क्या करेंगे आज ही खर्चा बुक कर लेंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉय को हमने कहा 3 साल काम कर तो 3 साल में क्या करेंगे एलोकेट करेंगे। एक क्वेश्चन और उठता है कि जो गुड्स और सर्विस लेते हो वो आपके लिए खर्चा या असेट है, बेटा मैं रिसीवर हूं तो मेरे लिए वो असेट होगा अगर वो असेट की डेफिनेशन पूरी करता है, मेरे लिए वो खर्चा होगा वो खर्चे के हिसाब से क्वालिफाई होता है। तो लिखा गुड्स और सर्विस आइदर कैन बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंसिस और एन असेट, डिपेंड करता बेटा मेरे ऊपर कि मैं उसे किस एंगल से देखता हूं। मैंने मशीन खरीद ली मान लो बदले में इक्विटी शेयर इशू करती तो मैं मशीन रिकॉर्ड करूंगा, मैंने सर स्टॉक खरीद लिया तो मैं क्या करूंगा परचेज में डालूंगा, ठीक है। आगे चलते बेटा, अब मुद्दा उठता है कि सब वैल्यूएशन कैसे करेंगे। बेटा वैल्यूएशन के लिए देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो एम्प्लॉय को आपने शेयर बेस्ड पेमेंट दी वो मैंने पूरा करा दिया, इफ सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, सर इसकी समरी है यहां पे अगर आप देखोगे तो मैं अभी उसको डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मैंने अभी आउटसाइड पार्टी वाली बात नहीं की, अब मैं आउटसाइड पार्टी वाली बात करने जा रहा हूं। देखिए आउटसाइड पार्टी के केस में वो कहता है कि साहब जो भी आपने गुड्स और सर्विस लिया है उसकी फेयर वैल्यू ही आपकी शेयर बेस्ड पेमेंट ऑप्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है गुड्स और सर्विस की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं होती, कभी कभी क्या होता है गुड्स और सर्विस की वैल्यू आइडेंटिफाइड नहीं होती,
अगर गुड्स और सर्विस की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो पाती तो उस केस में बेटा हम क्या करते हैं, जो हमने ऑप्शन दिया है सर उसी की फेयर वैल्यू लेके चलते हैं, उसी की क्या लेके चलते हैं, फेयर वैल्यू। हाँ एक बात सुनना ध्यान से, मैंने आज क्या किया, गुड्स ले लिए और पेमेंट मैं कर रहा हूं कैश सेटलमेंट में 3 महीने के बाद, तो 3 महीने के बाद जो फेयर वैल्यू होगी शेयर की वो डिफरेंट होगी और आज गुड्स की फेयर वैल्यू डिफरेंट है, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। देखिए सर इसको मेरे साथ साथ पढ़िए, इफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर अदर देन एम्प्लॉई एट फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, इफ फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज नॉट आइडेंटिफाइड देन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, मैंने अभी बोला था ना, लेकिन सर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर पता कैसे लेंगे, अगर इक्विटी सेटलमेंट है तो ग्रांट डेट पे और कैश सेटलमेंट है तो किस पे बेटा, सेटलमेंट डेट पे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि बार बार बात रिपीट होगी, इक्विटी सेटलमेंट हमेशा किस पे आएगा, ग्रांट डेट पे, और कैश सेटलमेंट किस पे आएगा, सेटलमेंट डेट पे। ठीक है, इन केस ऑफ कैश सेटलमेंट इफ फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस आइडेंटिफाइड एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड इज डिफरेंट रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस, मैंने बताया था जहां पे गैप आ जाता, ठीक है, एम्प्लॉय का सर ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इन केस ऑफ कैश सेटलमेंट, इक्विटी सेटलमेंट में क्या आएगा, ग्रांट डेट पे, और कैश सेटलमेंट में क्या आएगा बेटा, सेटलमेंट डेट पे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है एसबीपी विद कैश अल्टरनेटिव, मतलब सर आपको चाहे तो इक्विटी शेयर देंगे हम लोग या आपको कैश देंगे, या उल्टा हो सकता है, आप चाहो तो हमसे इक्विटी शेयर ले सकते हो या हमसे कैश ले सकते हो। आप बेटा बिल्कुल आराम सुनना, मैं आपको हल्का सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में लेके चल रहा हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ बेटा ये कंसेप्ट आपको आता होगा, लेकिन एक मिनट लेके हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा था कि अगर एंटिटी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन है तो हमेशा लाइबिलिटी बुक होगी, लेकिन अगर फिक्स टेस्ट पास हो जाता है साहब तो उस केस में हमेशा क्या होगा, इक्विटी रिकॉर्ड होगा। और अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो जिसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स है तो वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या होगा, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आओ इसको डिटेल में डिस्कस करते। देखिए साहब कैश अल्टरनेटिव में ये बताओ चॉइस किसके पास है, कैश अल्टरनेटिव में ये बताओ चॉइस किसके पास है, किस चीज की चॉइस, सेटलमेंट करने की। हमने कहा साहब काउंटर पार्टी के पास, सामने वाली पार्टी के पास, अगर सामने वाली पार्टी के पास है तो ये देखो कि सामने वाली पार्टी है कौन, क्या वो एम्प्लॉय है या वो आउटसाइड पार्टी। हमने कहा आउटसाइड पार्टी, तो कहता है आउटसाइड पार्टी के केस में ज्यादा टेंशन मत लो, जो भी फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस है उसे रिकॉर्ड करो और उसमें से जो डेट कंपोनेंट निकल के आता है उसे माइनस कर दो, तो बैलेंस क्या निकल के आएगा, इक्विटी कंपोनेंट। सर ज्यादा रेलिवेंट है कौन सा, एम्प्लॉय के साथ, कौन सा बेटा, एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय के साथ बड़े ध्यान सुनना, एम्प्लॉय क्या करेगा, या तो कैश लेगा या क्या लेगा, शेयर लेगा, हमें तो पता नहीं, लेकिन एक बात बता देता हूं बेटा मैं आपको, जब भी हम एम्प्लॉय को कैश अल्टरनेटिव देते हैं तो उस केस में सर अगर वो शेयर लेगा तो हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भैया आपको 2 साल 3 साल तक ये पर्टिकुलर शेयर नहीं बेचने, ठीक है, लेकिन अगर वो कैश लेता है तो उस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन होती ही नहीं। इसलिए सर जब वो शेयर लेता है ना और कैश लेता है तो दोनों में नंबर ऑफ जो ऑप्शन होते हैं वो अलग होते हैं, कैसे, अगर हमने उसको कहा भैया तेरे को शेयर चाहिए तो हम आपको 15,000 शेयर देंगे, लेकिन अगर तुम्हें कैश चाहिए तो हम आपको सिर्फ 10,000 के बराबर देंगे, किसके बराबर देंगे, 10,000 के बराबर। अब सर अगर वो कैश लेगा तो उस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन कंसेप्ट नहीं आएगा, मान लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी है 25 रुपए, तो वो अल्टीमेट क्या करेगा सर, 2.5 लाख का कैश लेगा, कितना कैश लेगा, 2.5 लाख का। लेकिन सर क्या होता है, जैसे ही आप एम्प्लॉय को क्या करते हो, शेयर दोगे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो उस केस में शेयर की वैल्यू गिर जाती है, मान लेते हैं शेयर की वैल्यू गिर के 22 रुपये होगी, ऑप्शन की वैल्यू गिर के 22 रुपये होगी, अगर ऑप्शन की वैल्यू गिर के 22 रुपये होगी तो ये आएगा 3,10,000, तो उस केस में वो कहता साहब आप क्या करो, जो ये 60,000 का डिफरेंस है इसे तो रिकॉर्ड कर लो क्या, इक्विटी कंपोनेंट, और इस 2.5 लाख को क्या कर लो, डेट कंपोनेंट। देखिए कैसे कहते हैं, इफ ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉय कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट एंड लाइबिलिटी कंपोनेंट ऑब्लिक कैश सेटलमेंट ऑन ग्रांट डेट नंबर ऑफ एसबीपी अंडर इक्विटी सेटलमेंट इनटू फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी विद रिस्ट्रिक्शन, विद रिस्ट्रिक्शन क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा दी आप उसे नहीं बेच सकते तो यह आ जाएगा। और उसके बाद कहता है साहब नंबर ऑफ एसबीपी अंडर कैश सेटलमेंट इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तो सर ये आ जाएगा डेट कंपोनेंट, तो डेट कंपोनेंट को कैसे ट्रीट करोगे आप, कैश सेटलमेंट की तरह, और इक्विटी को कैसे ट्रीट करोगे, इक्विटी की तरह। ठीक है, अब सर मान के चलते हैं हमारा क्वेश्चन 3 साल तक चला, तो 3 साल तक मैं क्या करूंगा, ग्रांट डेट के हिसाब से जो मेरा इक्विटी कंपोनेंट है इसे तो मैं इक्विवेलेंट क्या करूंगा, एलोकेट कर दूंगा, लेकिन सर जो मेरा कैश सेटलमेंट वाला कंपोनेंट है उसे मैं क्या करूंगा, हर रिपोर्टिंग डेट पे
मैंने वर्ड क्या बोला, हर रिपोर्टिंग रेट पे जो फेयर वैल्यू है उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। तो सर इसे लाइक क्या करूं, कैश सेटलमेंट। अब क्या होगा, मेरे पास सेटलमेंट डेट पे दो कंपोनेंट आ गए होंगे, एक लायबिलिटी और एक इक्विटी। एम्प्लॉई को मैं एक दूंगा, मान के चलते हैं एम्प्लॉई ने कैश वाला ले लिया। अगर कैश वाला ले लिया तो मैं क्या करूंगा, कैश सेटलमेंट को खत्म कर दूंगा, एसबीबी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और जो इक्विटी बचा हुआ बेटा उसको मैं अदर इक्विटी में लेके चला जाऊंगा। सर याद आपको मैंने बोला था कि अगर वेस्टिंग पीरियड के बाद एक्साइज पीरियड में आपका ऑप्शन कैंसिल होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे साहब, उसे या तो जर्नलिज्म में लेके जाएंगे या रिटेन अर्निंग में। तो बेटा ऑन द सेम ट्यूनिंग हम इसे भी क्या करेंगे, ऐसे ही ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ही ट्रीट करेंगे साहब, ठीक है। सर अगर मान लो एम्प्लॉई ने इक्विटी शेयर ले लिए, अगर उसने इक्विटी शेयर ले लिए तो उस केस में बेटा क्या करेंगे पता है, जो आपका लायबिलिटी कंपोनेंट है उसे आप कहां ट्रांसफर करोगे, उसे ट्रांसफर कर दोगे बेटा इक्विटी में। तो आप एसबीपी रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, उसके बाद एक्साइज प्राइस मंगाओगे और एसबीपी रिजर्व को बेटा कहां ट्रांसफर कर दोगे, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में। अगर कोई डिफरेंस आ गया इसके अंदर तो क्या करेंगे आप, पी एंड एल अकाउंट में लेके चले जाएंगे। सर इसमें डिफरेंस कैसे आएगा, क्योंकि बेटा ये तो ग्रांट डेट के हिसाब से आपने इशू करना ना, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कहां चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है। अगर सेटलमेंट की चॉइस किसके पास है, कंपनी के पास है, किसके पास है, कंपनी के पास। बेटा इसको इससे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन करा देता हूं आप। आइए बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार, बड़े ध्यान से देखना सर। शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश अल्टरनेटिव, ठीक है, ये तो हेडिंग बेटा एग्जाम में नहीं लिखा आएगा, पता कैसे लगेगा देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 एबीसी लिमिटेड गिव्स ऑप्शन टू इट्स केएमपी, बेटा ऑप्शन किसके पास है, केएमपी के पास, ठीक है। ऑप्शन किसके पास है, एम्प्लॉय के पास। अगर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है बेटा तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इनिशियली डेट पे सेग्रीगेट कर लोगे किस किस में, डेट कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट में, ठीक है। केएमपी टू टेक देयर आइदर कैश इक्विवेलेंट टू 1000 शेयर और 1500 शेयर, या तो कैश ले लो किसके बराबर, 1000 शेयर के बराबर, या क्या करो 1500 शेयर ले लो। मिनिमम सर्विस आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। शेयर बींग टेकन मस्ट बी कैप्ट फॉर 3 ईयर्स, बेटा रेस्ट्रिक्शन है। आप शेयर लेने के बाद उसे क्या करोगे, 3 साल तक अपने पास होल्ड करोगे, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कैसे हिसाब, ग्रांट डेट पे कितनी है, रेस्ट्रिक्शन के साथ 102 है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन कितनी है, 113। फेयर वैल्यू बेटा लास्ट के 2 साल की दे दी, आपने क्या करना, एक्साइज कैश ऑप्शन में कर लिया, एंट्री पास करो, क्या करो, एंट्री पास करो, ठीक है। तो सर इस केस में क्या करोगे आप, इक्विटी कंपोनेंट और डेट कंपोनेंट निकालोगे, जैसे मैंने बताया था। देखिए 1000 शेयर के हिसाब से आपको क्या मिलेंगे साहब, कैश मिलेगा, तो ये बन जाएगा आपका डेट कंपोनेंट, और आपको अल्टीमेट कितने मिलने वाले बेटा, अगर आप इक्विटी लोगे तो 1500, तो उसके हिसाब से बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका टोटल कंपोनेंट की वैल्यू। तो उसमें से आप क्या करेंगे, कैश अल्टरनेटिव घटा दो तो क्या निकल के आ जाएगा, इक्विटी ऑप्शन। इक्विटी ऑप्शन को क्या करेंगे आप, एलोकेट कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे हर साल कितने से, 20,000 से और 20,000 से। देखो बेटा 20,000 आ गया, और डेट को क्या करो बेटा, ईयर एंड पे रिवाइज कर दोगे, ठीक है। तो आप एंट्री क्या करोगे, पहले साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी अकाउंट 20,000 से, एसबीपी पेमेंट बेटा कितने, 60,000 से, अगले साल कितने से, 72 से। तो 1/32 की आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। हालांकि स्टडी मेट ने आप एक एंट्री नहीं दे रखी, बेटा आप एंट्री डाल सकते हो, कौन सी एंट्री, जो 40,000 का क्यूमुलेटिव अमाउंट है बेटा, इसको आप कहां लेके जा सकते हो, अदर इक्विटी के नाम से डाल देना, या जर्नलिज्म के नाम से, या रिटेन्ड अर्निंग के नाम से। एसबीपी रिजर्व इक्विटी अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म ओब्लिक रिटेन्ड अर्निंग ओब्लिक अदर इक्विटी अकाउंट, ठीक, चला जाए आगे। जी सर बेटा अब अगर चॉइस किसके पास है, कंपनी के पास चॉइस है, तो बेटा हम प्राइमा फेसी बोलेंगे कि आप हमेशा क्या मान के चलोगे, इक्विटी मान के चलोगे, क्या मान के चलोगे, इक्विटी। लेकिन सर दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन कौन से हैं, अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी नई इशू के ऊपर, अगर नई इशू के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी भैया फिर तो आपको डेट मान के चलना पड़ेगा, फिर तो बात ही खत्म। या कंपनी की पास्ट पॉलिसी रही कि हमेशा आप इसे कैसे सेटल करोगे, कैश में, तो बेटा इस केस में आप क्या करोगे, कैश सेटलमेंट के हिसाब से काउंटिंग करोगे। तो मेरी बात सुनो, अगर कंपनी के पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है या पास्ट पॉलिसी नहीं है तो आप क्या करोगे, इक्विटी सेटलमेंट मान के चलोगे, ठीक है। लेकिन सर पता नहीं सेटलमेंट डेट पे रियल में क्या होगा, अब वो कहता है अगर सेटलमेंट डेट पे रियल में क्या हुआ और पहले कुछ और ले रखा तो क्या ट्रीट करेंगे। देखिए इनिशियली आपने कैश सेटलमेंट रिकॉर्ड कर लिया, बट एक्चुअल में कैसे हुआ, इक्विटी में, कन्वर्ट लायबिलिटी कंपोनेंट इनटू इक्विटी एंड एनी डिफरेंस कहां चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। लेकिन अगर आपने इनिशियली किस पर रिकॉर्ड कर लिया, इक्विटी में, और एक्चुअल में किस पर सेटल हुआ, कैश में, तो सर क्या करेंगे, रीपर्चेज का केस मान के चलो, क्या करके चलेंगे, रीपर्चेज, जैसे बायबैक की तरह मान के चलेंगे। और अगर आपने बेटा बायबैक को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हल्का फुल्का सा डिस्कस किया हो, तो बायबैक के अंदर हम क्या करते हैं साहब, जो भी अमाउंट होता है बेटा उसे क्या करते हैं, अदर इक्विटी से रिड्यूस कर देते हैं। कहां से रिड्यूस कर देते हैं, अदर इक्विटी से। मैं इसको कैंसिलेशन में भी एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है, किस में रिपीट करूंगा, कैंसिलेशन में, वहां पे भी रीपर्चेज का केस है। तो आप सिंपली समझे से आप क्या मान के चलेंगे बेटा, रीपर्चेज का केस मान के चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सब, आगे चलते बेटा, आगे है डिटरमाइनिंग ऑफ टाइप ऑफ कंडीशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन फेयर वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एसपीपी। आप मेरी बात बड़े ध्यान सुनना साहब, बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एक बात ना, कि अभी मैं सिर्फ बेसिक कवर करा रहा हूं,
डिटेल में हम बेटा पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं किसके ऊपर, या तो नंबर ऑफ एसबीपी के ऊपर या किसके ऊपर बेटा, फेयर वैल्यू के ऊपर। ठीक है बेटा, एक बात और बता देता हूं आपको मैं यहां पे ना, ये जो कंडीशंस है बेटा ये थोड़ी सी टेक्निकल है, और अगर आप स्टेटमेंट देखो उसने बेटा घुमा के दे रखा बेटा। हमने क्या किया बेटा, इजी बेसिस को सर क्या किया, समराइज कर लिया। ठीक है, और मजे की बात पता क्या है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बेटा, और हर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, इसलिए आप बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनना। अपने दिमाग में लेके चलो कि आप जब एसबीपी देने वाले हो तो दो फैक्टर हैं साहब, कौन कौन सा, एक है नंबर ऑफ एसबीपी और एक है फेयर वैल्यू। सर बिल्कुल, ये दो के हिसाब से हम खर्चा एलोकेट करते हैं। अब कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर ऐसे जो इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है बड़ा, उसको हम समझाने जा रहे हैं। देखिए कहता है कंडीशन दो तरह की होती है, एक होती है वेस्टिंग, एक होती है नॉन वेस्टिंग। सर जब नॉन वेस्टिंग है तो कंडीशन पूरी करनी ही नहीं आपने, इसका मतलब क्या साहब कि आप कब एसबीपी दोगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए बेटा ये हमेशा इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर इफेक्ट डालता, फेयर वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अगर इक्विटी सेटलमेंट है तो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लोगे, और जब ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लोगे तो आपको पता है कि आप इसे सेटल कब करने वाले हो, तो उसके इफेक्ट आपने ऑलरेडी ले लिए होंगे। और अगर कैश सेटलमेंट है तो सर आप सेटलमेंट डेट की फेयर वैल्यू लोगे। ठीक है बेटा, मेन मुद्दा आता है वेस्टिंग कंडीशन का। वेस्टिंग कंडीशन का मतलब है ऑन कंप्लीशन ऑफ सच कंडीशन एम्प्लॉई एंटाइटल फॉर शेयर्स, या आउटसाइड पार्टी एंटाइटल फॉर शेयर्स। ठीक है, अब वो कंडीशन सर दो तरह की हो सकती है, तो सर्विस कंडीशन या परफॉर्मेंस कंडीशन। बेटा सर्विस कंडीशन का मतलब है पीरियड के बेस पे, ऑन पीरियड बेसिस। ठीक है, परफॉर्मेंस कंडीशन का मतलब है टारगेट बेसिस, और टारगेट दो तरह के होते हैं, या तो मार्केट के हिसाब से या सर नॉन मार्केट। मार्केट के हिसाब से होता है सर शेयर की फेयर वैल्यू, और नॉन मार्केट के हिसाब से बेटा होता है कि आपके अपने प्रॉफिट पैरामीटर हो सकता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पैरामीटर हो सकता है। सर आपने तो बताया था कि अगर प्रॉफिट पैरामीटर है तो वो शेयर बेस पेमेंट में नहीं आएगा। बेटा बिल्कुल आएगा, अगर आप शेयर दे रहे हो, अगर आप प्रॉफिट पैरामीटर के अगेंस्ट बोनस कैश में दे रहे हो तो नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट पैरामीटर लेके अगर आप शेयर दे रहे हो तो आ जाएगा, क्योंकि शेयर आप किसी भी कंडीशन में दे रहे हो साहब। मैंने क्या बोला, गुड्स और सर्विस के बदले में शेयर दे रहे हो या कैश दे रहे हो, फेयर वैल्यू के बेस पे। किसके बेस पे, फेयर वैल्यू के बेस पे। देखिए साहब, परफॉर्मेंस कंडीशन नॉन मार्केट बेस्ड लिंक्ड विद द एंटिटी पैरामीटर टारगेट टू अचीव रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट बेस्ड लिंक्ड विद द मार्केट पैरामीटर फॉर एग्जांपल टू अचीव टारगेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब सर ये कुछ नीले पेन से लिख रखा है कि भैया किसका इफेक्ट किस में लेना। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका कि या तो आप इफेक्ट किस में लोगे, नंबर ऑफ एसबीपी में, या किस में लोगे, फेयर वैल्यू में। देखिए लिखता साहब, सर्विस कंडीशन टू बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एसबीपी। सर इस बात को बड़ी गहराई से समझे, मैंने क्या बोला है, सर्विस कंडीशन टू बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एसबीपी। हमने एम्प्लॉई को कहा तुम 5 साल काम करो, 6 साल काम करो, 8 साल काम करो, 10 साल काम करो, तो जितना एम्प्लॉई लंबा रुकेगा साहब उतना ही क्या करेगा, वो नंबर ऑफ एसपीपी ज्यादा लेगा। सर नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन में हमने क्या कहा साहब, हमने एम्प्लॉई को कहा कि तुम अगर क्या करोगे, इतना हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दोगे या इतना प्रॉफिट पैरामीटर बढ़ा दोगे, मतलब अपने एंटिटी के पैरामीटर साहब, मार्केट के पैरामीटर नहीं है, तो भी उसको हम कहां इंक्लूड करें बेटा, नंबर ऑफ एसबीपी में। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट बेस्ड कंडीशन है तो हमेशा सर उसका इफेक्ट किसके अंदर आएगा, फेयर वैल्यू के अंदर। ठीक है सर, ये नोट वन पढ़ो बेटा, उसके बाद बड़ी अच्छी से क्लैरिटी आ जाएगी आपको। लिखा है ऑल दोज फैक्टर विच कैन इंपैक्ट ऑन फेयर वैल्यू इंक्लूडिंग मार्केट कंडीशन। सर वो सारे फैक्टर जो किस पे इंपैक्ट डालते हैं, फेयर वैल्यू पे, चाहे वो नॉन वेस्टिंग कंडीशन वाला हो, चाहे वो सर किसका हो, मार्केट वाला हो। ठीक है, ऑलरेडी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट, नो इंपैक्ट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस। इसका मतलब एग्जाम में आपने ध्यान देना है कि अगर कोई भी ऐसा फैक्टर है जो मार्केट बेस्ड फैक्टर है, या कोई ऐसा फैक्टर है जिसका इंपैक्ट फेयर वैल्यू पे पड़ने वाला है, तो आप उसका इंपैक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि वो सारे इंपैक्ट आप कब ले चुके होते हो, ग्रांट डेट पे ले चुके होते हो। सेकंड पॉइंट, इफ सर्विस पीरियड, देखिए इसके बारे में कह रहा है, सर्विस पीरियड के बारे में, इफ सर्विस पीरियड इज नॉट फिक्स्ड। सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल, हमने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी कि आपने अपने शेयर की वैल्यू डबल करनी और ये सिर्फ 5 साल तक करनी है, मैक्सिमम पीरियड 5 साल है, तो उस केस में बेटा क्या है, आपको 5 साल काम नहीं करना, 5 साल के अंदर वहां तक काम करना है जितने साल तक आप शेयर की वैल्यू क्या कर दो, डबल कर दो। तो अब यहां पे इशू पता क्या उठेगा कि खर्चा कितने साल में एलोकेट करें। वो कहता है इफ सर्विस पीरियड इज नॉट फिक्स देन इट वुड बी टेकन ऑन एक्सपेक्टेड बेसिस। किसके बेस पे लेके चलेंगे, एक्सपेक्ट बेस पे। सर हम एग्जाम में एक्सपेक्ट बेस कैसे लेके चलेंगे, सर लिख दिया इट हैज बीन गिवन इन क्वेश्चन।
एंड रीएस्टिमेटेड ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड। सर आप क्या करोगे, इसे हर साल रीएस्टिमेट करोगे। हाउएवर इफ मार्केट कंडीशन मीट्स बिफोर इट इज एक्सपेक्टेड, लेकिन अगर मार्केट की कंडीशन, जैसे मान लो आपने पांच साल में से उम्मीद लगाई कि भैया हम तो तीन साल में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन दो साल में कंप्लीट हो गया, तो सारा खर्चा क्या करेंगे आप, इमीडिएटली राइट ऑफ कर दोगे। लेकिन अगर तीन साल की जगह चार साल में हुआ, तो सर अगर ये ज्यादा जाता है तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल एक्सपेक्टेड पीरियड फॉलो करोगे। तो मोटी बात करें यहां पर, अगर मार्केट कंडीशन में चेंज है तो उसका इंपैक्ट फेयर वैल्यू पे आएगा, आपने नहीं उसे कंसीडर करना क्योंकि ऑलरेडी कंसीडर कर चुके होंगे। हाँ, कैश सेटलमेंट है तो आप वैसे ही कब का लेके चलते हो, रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू लेके चलते हो, ठीक है। अगर मार्केट के अलावा कोई और कंडीशन जैसे सर्विस कंडीशन है, तो सर उस केस में आप क्या करेंगे, सर्विस कंडीशन में नंबर ऑफ एसबीपी अफेक्ट करोगे, क्या अफेक्ट करोगे, नंबर ऑफ एसबीपी। और अगर नंबर ऑफ जो सर्विस है वो सर फिक्स नहीं है, वो एक मैक्सिमम है, तो सर उस केस में आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड के बेस पे लेके चलोगे। किसके बेस पे लेके चलोगे, एक्सपेक्टेड के बेस पे। अगर आप एक्सपेक्टेड के बेस पे लेके चलोगे तो फिर आप देखोगे कि रियल में कितना लगा है। अगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा लेके लगा है रियल में, तो आप एक्सपेक्टेड तक सीमित रखोगे, और अगर कम लगा है तो बेटा तो क्या करोगे, आप कम वाला लेके चलोगे, ठीक है। आओ बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली इसके ऊपर तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। बेटा 8 में मैंने एक दो बातें और बतानी है, तो 8 अभी रोक लेते हैं, 9, 10 करा देता हूं। देखिए ध्यान से सर, ये नॉन मार्केट कंडीशन वगैरह ये एग्जाम में लिखा नहीं आएगा, इसलिए हम क्वेश्चन उठाते हैं। एसीसी लिमिटेड ग्रांटेड 10,000 शेयर ऑप्शन टू वन ऑफ इट्स मैनेजर। एसीसी ने क्या किया साहब, 10,000 ऑप्शन दिया अपने मैनेजर को। इन ऑर्डर टू गेट द ऑप्शन द मैनेजर हैज टू वर्क फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगर आपको ऑर्डर पे काम करना, तो आपको अगले 3 साल तक काम करना पड़ेगा। एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाई 10% ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। आपको क्या करना है, अगले 3 साल में अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10% से कम करना है। सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉन मार्केट है। सर कैसे, क्योंकि बेटा ये एंटिटी के बेस पे, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितना है साहब, 95। कॉस्ट रिडक्शन अचीव्ड, पहले साल 12% अचीव किया, तो इसका मतलब बेटा क्या करेंगे आप, 3 साल तक टिके रहेंगे, क्योंकि आपने 3 साल तक क्या करना, 10% कम करना है। तो जैसे ही पहले साल आपने 12% किया, इसका मतलब आप उम्मीद लगा के चलोगे कि आप 3 साल तक इसे 10% से कम रखोगे, इसलिए क्या करोगे, एलोकेट कर दोगे 3 साल में खर्चे को, ठीक है। ईयर सेकंड में 8% है, नॉट एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इन फ्यूचर। इसका मतलब अगर आपको लगता है कि सेकंड ईयर के बाद आप नहीं टिक पाओगे साहब, क्योंकि सेकंड ईयर में आपको लग गया 8% और आगे नहीं टिक पाओगे, तो सर उस केस में हम सारा सारा क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय उसको कम कर ही नहीं पाएगा। इसलिए सर देखिए मैंने क्या पता क्या लिखवा रखा है, अगर आप इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करोगे, तो मैंने लिखवा रखा साहब यहाँ पे कि टू बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एसबीपी। इसका मतलब सर कि अगर सेकंड ईयर के बाद आपको लगता काम नहीं हो पाएगा, तो आप नंबर ऑफ एसबीपी दोगे ही नहीं, और जब नहीं दोगे तो क्या करेंगे सर, हम सेकंड ईयर में क्या करेंगे, उसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ईयर थर्ड में क्या आएगा सर, 10% अचीव कर लिया, फिर से इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब सर यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि जो रिवर्स है इसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा, इसका इंपैक्ट हमेशा पीएनएल में जाएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड, प्राइमा फेसी सर एक समरी निकल के आती है कि इक्विटी सेटलमेंट में अगर वेस्टिंग पीरियड में कोई भी बदलाव आता है तो उसका इंपैक्ट पीएनएल में जाएगा, लेकिन वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद अगर कोई बदलाव आता है एक्सरसाइज पीरियड में, तो उसका इंपैक्ट कहां आएगा, अदर इक्विटी में। आप फिर से मेरी बात सुन लो, ये बात बेटा दिमाग में डाल लो कि अगर कोई भी इंपैक्ट वेस्टिंग पीरियड में आता है, तो आप उसका इंपैक्ट आप कहां लेके चलेंगे, पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। चले आगे सर, इट इज नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन, हेंस द टारगेट टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन वुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ऑप्शन टू बी वेस्टेड। तो सर आप क्या करेंगे, पहले साल रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा 3 साल के हिसाब से, दूसरे साल आपको पता कुछ नहीं होने वाला, तो क्यूमुलेटिव अमाउंट सर जीरो हो जाएगा, इसलिए सारा रिवर्स कर देंगे, लेकिन तीसरे साल बेटा क्या करेंगे, फिर से खर्चा बुक कर लेंगे, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखे, आप पढ़ लेना आराम से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, एप्पल लिमिटेड हैज ग्रांटेड 10,000 शेयर ऑप्शन टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर फॉर विच ही मस्ट वर्क फॉर 3 ईयर्स एंड द प्राइस ऑफ शेयर शुड इंक्रीज बाई 20% ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। बेटा रियल में क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं, बताओ क्यों, क्योंकि मार्केट कंडीशन है और मार्केट कंडीशन का इंपैक्ट फेयर वैल्यू पड़ता है, नंबर ऑफ एसबीपी पे नहीं पड़ता, और फेयर वैल्यू का इंपैक्ट हम ऑलरेडी क्या करते हैं लेके चल चुके होते हैं। इसलिए सर अगर ये मार्केट इंपैक्ट है तो बेटा यहाँ पे आपके लिए ज्यादा रेलिवेंसी नहीं क्या है, आप बाद में देखो कि क्या अल्टीमेट अचीव हो रहा है नहीं हो रहा, अल्टीमेट अचीव हो रहा साहब। अगर ये अल्टीमेट अचीव नहीं होता तो बेटा 3 साल के बाद वेस्टिंग पीरियड में से आप सारा कैंसिल कर देते सब, लेकिन यहां पे अभी क्या बेटा उसने 3 साल के बाद अचीव कर लिया है, इसलिए आप सारा सारा 3 साल में एलोकेट करोगे। कहने का मतलब ये कि सेकंड ईयर में आप कुछ भी अलग से कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि सर मार्केट फैक्टर आप ऑलरेडी कब कंसिडर कर चुके होते हो, ग्रांट डेट पर आप कंसिडर कर चुके होते हो। तो सर इसका आंसर दे रखा है, आप पढ़ लेना बेटा, हर साल आप क्या करेंगे 4 साल के हिसाब से इसे एलोकेट कर देंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूं सर अभी ना, 8 कराने से पहले ना, क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। देखिए, एन एंटिटी पी इशू शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान टू इट्स एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द बिलो डिटेल।
नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100, फेयर वैल्यू ग्रांटेड पे 25, मार्केट कंडीशन, सर सुन क्या है मार्केट कंडीशन, शेयर की वैल्यू 30 तक पहुंच जाएगी। अगर सर मार्केट कंडीशन है तो इस केस में सर इसका इंपैक्ट फेयर वैल्यू पड़ेगा और उसका इंपैक्ट आप ऑलरेडी लेके चल चुके होते हैं, ठीक है। सर्विस कंडीशन क्या है, रिमेन करेंगे बेटा सर्विस में आप कब तक, जब तक क्या है मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, और आपको उम्मीद है कि मार्केट कंडीशन कब पूरी होगी, 4 साल में। तो इस केस में पता हम क्या करेंगे, सारे खर्चे को 4 साल में एलोकेट करेंगे। अगर ये 4 साल में होता तो ठीक है, 4 साल से पहले होता है तो सर आप पहले सारा खर्चा एलोकेट कर देंगे, लेकिन अगर ये 4 साल के बाद जाता है तो मैक्सिमम आप इसे क्या करेंगे, 4 साल में एलोकेट करेंगे और हर साल सर रिवाइज करोगे कि ये कैश सेटलमेंट होता, लेकिन इक्विटी सेटलमेंट में सर आप इसे हर साल रिवाइज नहीं कर सकते, आप ग्रांट डेट के हिसाब से उसे रिकॉर्ड करोगे, सो आप एलोकेट करोगे। देखिए सर इसने ये सारी थ्योरी दे रखी है, जो मैंने थ्योरी लिखवा रखी वही है, पढ़ लेना इसको। अगर वो 3 साल में कंडीशन पूरी करता है तो पहले साल 4 के हिसाब से, दूसरे साल 4 के हिसाब से। सर आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में कि पहले साल 1/4, दूसरे साल 2/4 माइनस ओपनिंग, माइनस क्या कर सकते हैं ओपनिंग, उतना ही अमाउंट आएगा सर। उसके बाद बेटा तीसरे साल में सारा खत्म कर देंगे क्योंकि 3 साल में खत्म हो गया, लेकिन अगर ये 5 साल में खत्म होता तो सर आप क्या करेंगे, 4 साल में एलोकेट करोगे। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, हालांकि क्वेश्चन ने वो चीज़ कवर नहीं की, अगर क्वेश्चन में खुदा ना खास्ता बोल देता कि आप मैक्सिमम 6 साल तक जा सकते हो और 6 साल के बाद भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो बेटा फिर आप इसे 6 साल के बाद सारा कैंसिल करते। सर जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर किस में बताया, क्वेश्चन नंबर सर मैंने आपको बताया था 10 के अंदर की, बट यहाँ पे एक रियल प्रॉब्लम पता क्या, अगर ये शूट चाहे तो सर इस क्वेश्चन को और अच्छा कर सकता है ये कह के कि 3 साल के बाद इसके अंदर 20% वैल्यू नहीं बढ़ी तो आपको पूरा रिवर्स करना पड़ेगा, और सर यहाँ पे मान लो 6 साल का एग्जांपल दे दिया और 6 साल के बाद कहता क्वेश्चन कि 6 साल में भी अचीव नहीं हो पाया टारगेट, तो फिर आप पूरा अमाउंट क्या करोगे, रिवर्स करोगे। चले आगे जी सर, आइए बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सर मैं आपको कराने जा रहा हूँ 8 करते, पढ़िए। अंकिता होल्डिंग इन कॉरपोरेशन ग्रांट 100 शेयर टू ईच 500 एम्प्लॉय ऑन 1 है, द एम्प्लॉय शुड रिमेन इन सर्विस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, द शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। सर उसने ये नहीं बोला कि वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, वर्डिंग सुनना क्या बोलता है, द शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इफ अगर ऐसा होता, नहीं होता तो सेकेंड ईयर, नहीं होता तो थर्ड ईयर। सर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक्स एग्जांपल कराता हूं, फिर इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से करेंगे और इसको आप पोज करके पढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पूरा डायग्राम के साथ अच्छे सोल्व कर रखा है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताता हूं आपको, ठीक है। हमने अपने एम्प्लॉय को कहा तू एक काम कर, अगले एक साल में हमारा प्रॉफिट 1 लाख का कमा के दे दे, अगर तूने अगले एक साल में प्रॉफिट 1 लाख का कमा के दे दिया तो हम तुम्हें 1000 ईसोप देंगे। बेटा ये नॉन मार्केट कंडीशन है। और सर जो क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे उसने शुरू में 3 साल का टारगेट दे दिया, लेकिन जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर ध्यान से देखना, मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं। मैं कहता हूं अगर तू हमें अगले एक साल में 1 लाख का प्रॉफिट देता है तो हम तुम्हें 1000 क्या करेंगे ऑप्शन दे देंगे, लिख रखा मैंने, और अगर नहीं दे पाता तो टेंशन मत लेना, फिर तू क्या करना 2 साल के लिए चेक करना, अगर तू 2 साल का कंबाइंड प्रॉफिट हमें 180 दे देता है तो क्या करना 1000 ईसोप लेके चले जाना। बट ईसोप का मतलब ऑप्शन है यहाँ पे, शेयर बेस पेमेंट, ठीक है। वो कहता सब अगर मैं 2 साल में भी ऐसा नहीं कर पाया तो हम कहते एक काम कर, प्रॉफिट हमें 3 साल का कंबाइन 2.5 लाख करके दे दे, अगर ऐसा करता तो हम तुम्हें 1000 क्या करेंगे ऑप्शन दे देंगे, अगर तू ऐसा नहीं कर पाता तो हम क्या करेंगे साहब फिर इसे कैंसिल कर देंगे। सर अब यहां पे जो वेस्टिंग पीरियड है बेटा, ये वेस्टिंग पीरियड भी क्या है, एक्सपेक्टेड दे दी, और एक्सपेक्टेड कैसे दे दी, पहले साल ऐसा होता ठीक है, नहीं तो दूसरे साल, नहीं तो फिर तीसरे साल। अब पहले साल मान लो मेरा प्रॉफिट 1.10 आ गया तो मैं पहले साल वेस्ट कर दूंगा, खर्चा 1 साल में एलोकेट कर दूंगा, लेकिन अगर मान लो मेरा प्रॉफिट पहले साल 1 लाख नहीं आया तो मैं ये देखूंगा कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2 साल में, अगर मैं 2 साल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इसको तो मैं पहले साल खर्चा रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि नॉन मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैं एसबीपी दूंगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं पहले साल अचीव नहीं कर रहा और ये लग रहा मेरे को कि सेकंड ईयर में मैं इसे अचीव कर लूंगा तो उसके छोटा पहले साल जो खर्चा एलोकेट करोगे वो 2 साल में करोगे, 3 साल में नहीं करोगे भैया, क्योंकि पहले साल तीसरे साल का कोई लिंक ही नहीं है। सर लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 बेटा 3 साल लगातार काम करना था, यहां पे क्वेश्चन नंबर जो मैंने एग्जांपल लिया है 3 साल काम नहीं करना आपको, पहले साल या 2 साल या 3 साल ओआर ओर है, लेकिन वहां पे मैंडेटरी आपको क्या करना था 3 साल काम करना था। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से
क्वेश्चन नंबर 8, सर यहाँ पे काम की बात क्या बताई मैंने एग्जांपल में, ये बताइए कि आपने खर्चा या तो पहले साल खत्म करना है या पहले साल के हिसाब से 2 साल में एलोकेट करना, ठीक है। जब सेकेंडरी में पहुंचेंगे तो या तो 2 साल में या फिर 3 साल में। देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही कहा गया, होप सो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अगर कंपनी का अर्निंग इंक्रीज हुई 12% से तो पहले साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला है, डायग्राम में आइए, अर्निंग अगर 12% है तो आप क्या करेंगे साहब, वेस्ट कर देंगे पहले साल में। आगे लिखते हैं, सेकेंड ईयर इफ द कंपनी अर्निंग इंक्रीज बाई मोर देन 20% ओवर द 2 ईयर पीरियड, इसका मतलब सर पहले साल में अगर खत्म नहीं हुई तो इसे कैंसिल नहीं करेंगे, फिर दूसरे साल का वेट करेंगे, लेकिन दूसरे साल में अर्निंग कितनी है 20% से ज्यादा होनी चाहिए। अब पहले साल अगर आपको लगता है भैया हो ही नहीं पाएगा ये, तो आप कैंसिल कर देंगे साहब, लेकिन 3 साल तक आप वेट करेंगे साहब, ठीक है। आगे चलिए, थर्ड ईयर इफ द कंपनी अर्निंग इंक्रीज बाई मोर देन 22% ओवर द 3 ईयर्स, तो आप क्या करेंगे 3 साल में से एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू सर पहले साल कितनी है 122 है, मतलब ग्रांड डेट पे अर्निंग इंक्रीज 10% से होगी, हमें कितनी चाहिए थी 12% से, अगर 10% से इंक्रीज होगी तो सर देखिए क्या घटना घटती है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 29 ने छोड़ दिया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी क्या होगा, शेयर वेस्ट हो जाएगा अगले साल, वेस्ट हो जाएगा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर अगले साल आप एक्सपेक्ट नहीं करते तो पहले साल का खर्चा आप जीरो बुक करते बेटा, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, और क्वेश्चन खत्म भी नहीं होता, आप क्वेश्चन को सेकंड ईयर में भी लेके चलते हैं और थर्ड ईयर में भी लेके चलते हैं। लेकिन अगर पहले साल आपको उम्मीद है कि सेकंड ईयर में हो जाएगा तो आप क्या करेंगे 2 साल में एलोकेट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपनी ने एक्सपेक्ट किया 31 एम्प्लॉई और छोड़ देंगे, बेटा ये बड़ी कॉमन बात हो चुकी है। अब 440 क्या करेंगे, रिसीव करेंगे अगले साल, अगले साल क्या बेटा इंक्रीज होगी 18% से, कितने से होगी इंक्रीज 18% से, लेकिन कितनी चाहिए आपको 20% चाहिए, नहीं हो पाया, लेकिन उसने क्या कैसा वेस्ट नहीं किया, लेकिन अच्छा 29 एम्प्लॉय ने छोड़ दिया लेकिन 23 और छोड़ देंगे, उसे उम्मीद है कि अगले साल ये अचीव हो जाएगा। तो सर इस क्वेश्चन को बेटा आपने पूरा पढ़ लिया होता अगर आप ध्यान से देखोगे तो, एम्प्लॉय लेफ्ट वाली बात मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं ली, बाकी मैंने क्या लिया सब बाकी बाकी बेटा मैंने सीरियसली पढ़ी है कि 10% इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन 12 चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या है उम्मीद है एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट ईयर, तो हम क्या करेंगे खर्चे को 2 साल में एलोकेट कर देंगे, सेकंड ईयर क्या करेंगे 3 साल में एलोकेट कर देंगे सेकंड ईयर के एंड में। देखिए पहले साल में क्या करेंगे 2 साल में एलोकेट करेंगे, बेटा ये मुख्य बात थी। अब इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन मैंने दे रखा, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अच्छे से कर लेना, ठीक है। सर कराई दो ना, लो बेटा जल्दी से, नंबर ऑफ एसपीवी एक्सपेक्टेड टू अवेल इनटू फेयर वैल्यू ऑप्शन ऑन ग्रांड डेट, आ गया। पहले साल हमने क्या किया साहब, वेस्ट नहीं कर पाए लेकिन उम्मीद है सेकंड ईयर में हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेकंड ईयर की उम्मीद में नहीं होती तो हम क्या करते बेटा इस पूरे अमाउंट को सर जीरो कर देते, सेकंड ईयर में उम्मीद नहीं होती जीरो कर देते, थर्ड ईयर में मान लो हो जाता तो थर्ड ईयर में सारा रिकॉर्ड करते क्योंकि नॉन मार्केट कंडीशन है, ठीक है। बेटा मैंने कई बार रिपीट कर दिया, आई थिंक ज्यादा हो जाएगा उसके बाद, अब इस क्वेश्चन को कर लेना आप, ठीक। देखिए बेटा अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है इनिशियली जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें चेंज आना, और कैंसिलेशन का मतलब होता है इसोप को मतलब ऑप्शन को बीच में रोक देना। सर ऐसे समझिए, हमने एम्प्लॉय को कहा भैया कंडीशन पूरी करनी, एम्प्लॉय ने कंडीशन पूरी नहीं की, बट वो कैंसिलेशन नहीं होता, वो फोर फीचर होता है। हमें लग रहा है यार अगर एम्प्लॉय अगले 3 साल तक काम करेगा और 3 साल के बाद ये शेयर लेके जाएगा तो शेयर की वैल्यू तो बहुत हाइक चली जाएगी, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, इसलिए हम एम्प्लॉय को क्या करते बैठाते और बीच में सेटलमेंट कर लेते बेटा, इसे बोलते कैंसिलेशन। मॉडिफिकेशन में जनरली क्या होता है, जो इनिशियली टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें चेंज हो जाता है। जैसे मान लो हमने कहा एम्प्लॉय को 3 साल तक काम करना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना बेटा इस बात को ना, अब हुआ क्या साहब हमारे शेयर की वैल्यू गिर रही है, अब 1 साल के बाद हमें यह महसूस हुआ कि 3 साल के बाद शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, और शेयर की वैल्यू जब गिर जाएगी तो एम्प्लॉय एक्साइज प्राइस नहीं देगा क्योंकि हो सकता है एम्प्लॉय को एक्साइज प्राइस देना महंगा पड़े, इसलिए हम एम्प्लॉय को बोलते हैं एक काम कर टेंशन मत ले टिका रहो, हम आपसे क्या करेंगे एक्साइज जो प्राइस है वो कम कर देंगे बेटा, उसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो ब्रॉडली अगर मैं बात करूं टर्म्स कंडीशन पूरी ना होने पे सर जो घटना घटती है उसे फॉरफीचर बोलते हैं। सर जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को बीच में रोक देता साहब कुछ सेटलमेंट करके साहब उसे क्या बोलते हैं कैंसिलेशन बोलते हैं, और जब टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होता है लेकिन इसो कंटिन्यू रहता साहब विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशन तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन, आइए मॉडिफिकेशन पे चलते हैं बेटा। मैं मॉडिफिकेशन से पहले एक हल्का सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। देखिए सर क्या होता है, आपको अगर याद हो एक काम करते हैं इसका बैकग्राउंड भी शुरू में ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा 1-2 मिनट ज्यादा लेकिन अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। इधर आ जाइए बेटा एक बार ना, आप ये बताइए क्या इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जिससे हमने अपना कंसेप्ट स्टार्ट किया था चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या एसबीपी की फेयर वैल्यू में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? सर बिल्कुल हो रहा है, या 75 था या 95 आ गया।
बट ये जो चेंज है ये चेंज मार्केट फैक्टर की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते। हाँ, इसका जो इम्पैक्ट हुआ होगा सर कहीं ना कहीं, सर हमने इनिशियली ले लिया होगा शुरू में, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन नहीं कहलाता। तो सर मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है, आइए बेटा मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है। देखिए, हमने एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय हम तुमसे क्या लेंगे, 15 रुपये लेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय कहता साहब मैं 15 रुपये आपको 3 साल के बाद नहीं दे पाऊंगा, मैं बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। हमने एम्प्लॉय को कहा एक काम कर एम्प्लॉय, हमारे यहाँ पे 3 साल तक रुका रहो। पहले साल के आखिर में हमने ये बात बोली और एम्प्लॉय को पहले साल के लास्ट में बोला कि एक काम कर हमें 15 रुपये की जगह 10 रुपये दे दे। हमें कितने रुपए दे दे, 10 रुपए, ठीक है। एक काम करता हूं मैं नया एग्जांपल बनाता हूं यहां पे, एक्साइज प्राइस मान लो 15 रुपए है, फेयर वैल्यू जो है किसकी, ऑप्शन की, वो मान लो 70 रुपए है। मैं उस ऊपर वाले एग्जांपल से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। और यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑलरेडी गिर चुकी है और गिर के 50 रुपए रह चुकी है। अब हमें पता है कि भैया ये तो पहले साल का आखिर है, जब एम्प्लॉय दूसरे या तीसरे साल के आखिर तक जाएगा तो वहां पे तो और वैल्यू गिरने के चांस, इसलिए हमने एम्प्लॉय को रोकने के लिए क्या कहा, हमने कहा तू 5 रुपये कम दे देना, तुम क्या करना 5 रुपये कम देना। एम्प्लॉय ने कहा ठीक है। अब सर जैसे हमने कहा एम्प्लॉय को 5 रुपये कम दे देना, तो बेटा ऑटोमेटिक क्या होगा, आप मेरी बात सुनना, हमारे शेयर की फेयर वैल्यू नहीं ऑप्शन की फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। सर कैसी बातें कर रहे हो, देखिए बेटा 36 का आंकड़ा किसमें, ऑप्शन की वैल्यू में और एक्साइज प्राइस में। सर ये दोनों शेयर के वैल्यू से ड्राइव होती है, अगर एक्साइज प्राइस बढ़ेगा तो ये गिरेगा और एक्साइज प्राइस गिरेगा तो ये बढ़ेगा। तो सर मान के चलते हैं उसके बाद जैसे हमने एम्प्लॉय को कहा भैया तू हमें 10 रुपये दे देना, तो यहां पे जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है बेटा मान के चलते वो 56 होगी। सर मैंने जानबूझ के 1 रुपया अलग लिया बेटा, जरूरी नहीं वो 5 से इंपैक्ट आएगा, 6 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, क्योंकि उसमें और भी फैक्टर आ सकते हैं। तो सर ये जो 6 रुपया खर्चा है दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। तो सर आइए मॉडिफिकेशन को हम अब एक्सप्लेन करते हैं क्या कहता वो। देखिए मॉडिफिकेशन मीन स्कीम को चेंज कर दी, स्कीम चेंज कर दी, ठीक है। ये क्या कहलाएगा मॉडिफिकेशन, ये अनफेवरेबल टू एम्प्लॉय जब होता है, जब आप एक्साइज प्राइस बढ़ा देते हो तो इसे इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आपने एक्साइज प्राइस गिरा दिया तो ये फेवरेबल होगा। जनरली यह घटना मार्केट में एसपीवी की वैल्यू बिकॉज डिक्रीज होने की वजह से होती है बेटा, बिल्कुल ये तो बात मैंने बोल दी आपको, ये मैंने लिख रखा है ताकि आपका नोट्स में भी देख सको आप इसे, ठीक है। तो सर इस केस में आप सीधी बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा। सर ट्रीटमेंट के लिए वो कहता साहब इस 6 रुपया खर्चा आप अलग से रिकॉर्ड कर लो और इसे क्या करो एलोकेट कर दो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में। सर लेकिन अगर ये घटना मान लो कब हुई है, ये एक्साइज पीरियड में घटना हुई, तो आप सारा खर्चा क्या करेंगे एक्साइज पीरियड में बुक कर लेंगे। आइए सर इस चीज को समझते हैं कि देखिए हमने फॉर्मूले में कैसे कैसे बोला। कैलकुलेट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन ड्यू टू डिक्रीज इन एक्साइज प्राइस रीप्राइसिंग, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन आफ्टर रीप्राइसिंग ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन बिफोर रिपोर्टिंग रीप्राइसिंग, बट बिफोर क्या रीप्राइसिंग ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। बात बन गई, हाँ सर। तो सर उसके बाद कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू अवेल इनटू इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑप्शन कैलकुलेट अंडर स्टेप वन। सर ये टोटल अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन आ जाएगा जिसे आप क्या करेंगे एलोकेट कर देंगे सर वेस्टिंग पीरियड में, ठीक है। आइए बेटा मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको जो भी इंक्रीमेंट आया है किस किस में, सर फेयर वैल्यू आपका रीप्राइसिंग से पहले क्या थी और रीप्राइसिंग के बाद क्या है, उन दोनों का इंपैक्ट सर क्या कहलाएगा मॉडिफिकेशन कहलाएगा। अगर वो एक्साइज पीरियड में है तो आप उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर वेस्टिंग पीरियड में तो क्या करेंगे रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में उसे क्या करेंगे आप एलोकेट कर देंगे। आइए मेरे साथ साथ बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पोज करके अखबार आप पढ़ लें फिर मेरे साथ साथ पढ़ना। देखिए मॉडिफिकेशन, मैराथन इनकॉर्पोरेशन इश्यूड 150 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ 1000 एम्प्लॉई सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन फॉर 3 इयर्स, उन्हें 3 साल तक सर काम करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन गिवन वाज कैलकुलेटेड INR कितने से 129 से, बिलो आर द डिटेल्स एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू SVP, पहले साल 35 ने छोड़ दिया 60 और छोड़ देंगे, अब तो ये कॉमन बात हो चुकी है साहब, ठीक है। तो 1000 में से कितना आ जाएगा 905 आ जाएगा। सर उस दिन क्या हुआ रीप्राइसिंग हुई और मार्केट वैल्यू सर कितनी थी 50 थी, लेकिन रीप्राइसिंग की वजह से कितनी होगी 80 होगी, तो 30 का सर मॉडिफिकेशन का खर्चा हो गया जिसे आप रिमेनिंग 2 साल में एलोकेट कर देंगे। एक बच्चा कहता है सर ये तो पहले साल के आखिर में हुआ है तो 3 साल में नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि ये पहले साल के आखिर में हुआ है तो इसका इंपैक्ट अगले 2 साल आएगा, अगर ये पहले साल के शुरू में हो जाता तो सर 3 साल आ जाता, अगर बीच में हो जाता तो फिर 2.5 साल में आ जाता बेटा, ठीक है। अगले साल एम्प्लॉय ने 30 और छोड़ दिया और 36 और छोड़ देंगे, 39 ने छोड़ दिया बेटा, आप अकाउंटिंग करके दिखाओ। सर मैं यहां पर इसकी वर्किंग यहां पर करके दिखाता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहां पर कर रखा सर। देखिए पहले साल कितना हुआ 95 ने छोड़ दिया, मतलब 35 ने छोड़ दिया 60 और छोड़ देंगे तो 95 का कम हो गया साहब, तो उस हिसाब से आपने खर्चा एलोकेट कर दिया, ठीक है। पहले साल मॉडिफिकेशन का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सेकंड ईयर में सर क्या हुआ 30 ने और छोड़ दिया, 35 पहले छोड़ चुके थे 965 बच गए और 36 और छोड़ देंगे, तो आप क्या करेंगे साहब इनिशियली क्या करेंगे जो फेयर वैल्यू बेटा उसी के हिसाब से खर्चा बुक करेंगे और फिर ये मॉडिफिकेशन का खर्चा सर आप 2 साल में लेके चलेंगे। मैं एक दो बातें बता देता हूं आपको,
इनिशियली फेयर वैल्यू ग्रांट डेट में कोई चेंज नहीं होने वाला, पहली बात। मॉडिफिकेशन होने के बाद एक्सरसाइज प्राइस आप एज इट इज रिसीव करोगे, लेकिन वो नए वाला रिसीव करोगे, पुराने वाला रिसीव नहीं करोगे। तो सर मॉडिफिकेशन में जो टोटल ओवरऑल खर्चा आएगा कौन सा आएगा, इनिशियली फेयर वैल्यू जो ग्रांट डेट पे थी वो आएगी, और साथ में मेरे बच्चे उसके अंदर आप ऐड कर देंगे कौन सा, मॉडिफिकेशन का अमाउंट। लेकिन मॉडिफिकेशन का अमाउंट अलग से एलोकेट करोगे रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मॉडिफिकेशन मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ एसपीपी एक्सपेक्टेड टू अवेल इनटू इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ड्यू टू मॉडिफिकेशन, ठीक है बेटा, कर लेना इस क्वेश्चन को, इसकी एंट्री वगैरह सब कर लेना, ठीक है। आइए साहब आगे चलते कैंसिलेशन में। बट कैंसिलेशन का हिंदी मतलब है रीपर्चेज। क्या है रीपर्चेज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा रीपर्चेज को। बट रीपर्चेज का मतलब होता है बाई बैक। क्या मतलब होता है बाई बैक, आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना। कहता साहब जब कैंसिल होता है तो आपने तीन काम करने हैं। पहली बात, जो भी रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड का खर्चा पड़ा हुआ आपका, उसे आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लोगे। बोलो क्या बोला मैंने, जो भी रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड का खर्चा बचा हुआ है उसे आप इमीडिएटली क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। दूसरी बात सर, कैंसिलेशन में जो भी आप अमाउंट पे करने वाले हैं उसमें से जितना एग्जिस्टिंग इक्विटी का अमाउंट है वो कहां डाल दोगे, पीएनएल में, और एग्जिस्टिंग इक्विटी को आपने बाई बैक मानना है। बेटा बाई बैक का मतलब होता है आप उस अमाउंट को राइट ऑफ कर दोगे, किससे, या तो रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से, किससे, रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। सर तीसरी बात मैं आपको बेटा आगे बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर, ठीक है। देखिए क्या कहता है कैंसिलेशन, लाइक अर्लियर रिडम्पशन फ्यूचर में शेयर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हम इस घटना को बेटा घटित करते हैं, ठीक है। कहता साहब इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड और रिलेटेड अमाउंट विच इज ड्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फ्यूचर, मतलब सर जैसे मान लो मैंने क्या किया, तीन साल में खर्चा एलोकेट करना था, पहले साल का खर्चा मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, अब मैंने कैंसिल कर दिया, तो दो साल है उसको भी क्या करूंगा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। सेकंड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन। सर कैंसिलेशन डेट पे आप इक्विटी अमाउंट निकालोगे, और जो ये इक्विटी अमाउंट आएगा बेटा इसे हम रीपर्चेज बोलेंगे। रीपर्चेज का मतलब है आप इसे सिक्योरिटी प्रीमियम या अदर रिजर्व से क्या करोगे, कैंसिल करोगे, ठीक है। एनी एक्सेस अमाउंट पेड इन कंपेरिजन टू इक्विटी सेल बी ट्रांसफर इन टू पी एंडल अकाउंट। सर जितना आपने अमाउंट पे किया और अमाउंट ऑफ इक्विटी बेटा कैंसिलेशन यहां से माइनस कर देंगे, अमाउंट क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, पी एंडल अकाउंट के अंदर, ठीक है। चले आगे बेटा, आगे चलने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको ना। देखिए आप क्या करोगे, एसबीपी रिजर्व बुक करोगे एज इट इज इतने अमाउंट से जो बचा हुआ फ्यूचर में, ठीक है, जो बचा हुआ किसमें, फ्यूचर में। एक काम करूं मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए डेटा होगा। हमारी स्टडी मैट ने जो क्वेश्चन की कवरेज की बेटा वो बड़ी हल्की की है, लेकिन मैं साथ साथ आपको एक दो एंट्री एक्स्ट्रा बता दूंगा जो रियल में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है वो, आराम से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अनारा फर्टिलाइजर लिमिटेड इशूड 2000 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 10 डायरेक्टर। बेटा यहां पे ईच वर्ड लिख दिया मैंने 10 डायरेक्टर फॉर एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ INR 100, मतलब 100 अगर आप एक्सरसाइज प्राइस दोगे तो हम 2000 ऑप्शन देंगे 10 डायरेक्टर को। द डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टे विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। बेटा फेयर वैल्यू कितनी है, 30 रुपए के हिसाब से। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डायरेक्टर टू वेस्ट द ऑप्शन कितने, 8 है, कितने 8 एक्सपेक्ट करके मान के चल रहे हम। ड्यूरिंग द ईयर 2 देयर वाज ए क्रैश इन द कंपनी एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कैंसिल सच स्कीम इमीडिएटली, इट वाज एस्टिमेट फर्दर बिलो। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन कितने, 90। बेटा ये किस काम आएगी, या आएगी इक्विटी की वो वैल्यू निकालने के लिए जो हमें किस डेट पे चाहिए साहब, कैंसिलेशन की डेट पे चाहिए, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना उस दिन, 99, ठीक है। देर वाज ए कंपनसेशन विच वाज पे टू डायरेक्टर एंड ओनली 9 डायरेक्टर वर करंटली इन एम्प्लॉयमेंट। बच्चा कहता है सर हमें तो 8 की उम्मीद थी, नो कैसे है बेटा, हमें 8 की उम्मीद थी पूरे वेस्टिंग पीरियड के बाद रुकने की। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम वेस्टिंग पीरियड के लास्ट में जाके निकालते, तो हमें उम्मीद थी 8 की, लेकिन रियल में कितने रुके, 9। तो हम क्या करेंगे, जो कंपनसेशन पे करेंगे 9 को पे करेंगे। एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन सर स्कीम इट वाज एग्रीड टू पे एन अमाउंट ऑफ 95 पर ऑप्शन टू ईच ऑफ 9 डायरेक्टर। सर उन्हें 99 ना मांग के क्या किया, उन्होंने कहा भैया हमें तो सिर्फ क्या करो 95 के हिसाब से कंपनसेशन दे दो। सर सुनिए मेरी बात ध्यान से, पहले साल कोई घटना नहीं घटी तो पहले साल का खर्चा आप एज इट इज बुक कर लोगे। 8 डायरेक्टर है, फेयर वैल्यू कितनी, 130, नंबर कितने 2000, तो मल्टीप्लाई करके बेटा 20-80 आएगा, पहले साल खर्चा इतना बुक कर लेंगे। सर सेकंड ईयर में सब कुछ खत्म हो गया तो आप क्या करोगे, 9 डायरेक्टर के हिसाब से क्यूमुलेटिव अमाउंट बुक करोगे, ओपनिंग अमाउंट माइनस करके बैलेंस अमाउंट क्या करोगे साहब, एज इट इज बुक करोगे। तो मैं एक बार यहां तक की बात बता देता हूं, आप पहले साल एंट्री करोगे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसपीपी रिजर्व इक्विटी अकाउंट कितने से, 693 से। सेकंड ईयर में आप एंट्री करोगे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट कितने से, 1646667 से, ठीक है। दो साल का कंबाइन हो गया। उसके बाद सर उसके बाद क्या करोगे, आप कैंसिल करते हुए 95 का कंपनसेशन पे करोगे, तो जो कंपनसेशन पे किया आपने 17 10 पे किया,
और 16-20 आज आपकी इक्विटी की वैल्यू है, अगर 16-20 आपकी आज इक्विटी की वैल्यू है तो 90,000 का अमाउंट चला जाएगा P&L में, ठीक है। बट हमारी स्टेटमेंट ने यही कवर कर रखा है और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं पहले इतना रिवाइज कराता हूँ आपको, फिर बेटा मैं एक दो बातें और बताता हूँ जो मैंने कहा था आपको, मैं क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बैलेंस बचा है साहब, कौन सा, कैंसलेशन डेट पे सर, उसे आप एज इट इज रिकॉर्ड करोगे, मतलब मोटी बात करें, ठीक है, राइट ऑफ कर दोगे वहां तक, ठीक। दूसरी बात सर, जो कंपनसेशन पे किया, कंपनसेशन का जो एक्सेस अमाउंट है किस किस से, इक्विटी से बेटा, उसको आप कहां लेके जाएंगे साहब, उसे आप पीएनएल में लेके जाएंगे। अब मुद्दे की बात आती है कि सर जो इक्विटी तक का अमाउंट है उसे आप कहां डालेंगे, बेटा उसे आप क्या करेंगे, उसे आप बाई बैक का मान के चलोगे, रीपर्चेज मान के चलोगे। तो मैं आपको बता देता हूं, इसे आप इक्विटी में एडजस्ट करोगे। इक्विटी का यहां मतलब आएगा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम या अदर रिजर्व, ठीक है। दूसरी बात सर, अगर आप ध्यान से देखोगे, बताओ बेटा, 23,40,000 हमारा एसपीबी रिजर्व इक्विटी के नाम से खड़ा होगा, बिल्कुल खड़ा होगा। तो आप सर थोड़ा एंट्री के एंगल से बता दोगे हमें इस क्वेश्चन को, बेटा मैं एंट्री के एंगल से बता देता हूं, हालांकि इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया इस चीज को बेटा, लेकिन हम यहां पे अच्छे से कवर करा रहे हैं। देखिए आप क्या करोगे, आप एंट्री करोगे अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट 16,20,000 से, पीएनएल अकाउंट डेबिट एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम से 90,000 से, टू बैंक अकाउंट 17,10,000 से, और जो 23,40,000 का एसपीबी रिजर्व इक्विटी बेटा उसे आप कैंसिल कर दोगे और उसे लेके जाओगे बेटा किसके अंदर, या तो जनरल रिजर्व के अंदर या रिटेन्ड अर्निंग के अंदर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। चले आगे। जी सर, बेटा कभी कभी क्या होता है, आप जो शेयर इशू करते हो ग्रुप में इशू कर देते हो, किस में इशू कर देते हो, ग्रुप में। ग्रुप का मतलब यहां पर क्या है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर दे दिए, या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर दे दिए, तो उस केस में कैसे ट्रीट करेंगे, बड़े आराम से सुनना। मैं होल्डिंग कंपनी, आप सब्सिडरी कंपनी, मैंने शेयर आपके एम्प्लॉय को दे दिए, सुनना, मैं पेरेंट कंपनी, आप सब्सिडरी कंपनी, मैंने शेयर आपके एम्प्लॉय को दे दिए। जब मैंने शेयर आपके एम्प्लॉय को दे दिए तो आपके लिए खर्चा बनेगा और मेरे लिए क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। तो देखिए मैंने यहां पर क्या समझा रखा, देखिए पेरेंट कंपनी ने शेयर इशू किए सब्सिडरी के एम्प्लॉय को, तो सब्सिडरी के लिए क्या बनेगा, खर्चा, और सर पेरेंट कंपनी के लिए क्या बनेगा, शेयर कैपिटल। अब मुद्दा उठता है कि शेयर कैपिटल तो क्रेडिट कर दिया, पेरेंट कंपनी डेबिट किसे करेगी, या सब्सिडरी कंपनी ने सर खर्चा डेबिट कर दिया तो क्रेडिट किसे करेगी। तो सर इसके लिए वो कहता साहब, देखिए पेरेंट कंपनी ने एक तरीके से यह मान के चलेंगे इन्वेस्टमेंट कर दी, किसमें, सब्सिडरी में। तो सर आपने जो शेयर इशू किए वो आपने सब्सिडरी के एम्प्लॉय को किए हैं, तो सब्सिडरी के लिए खर्चा आपके लिए क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट। हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी पता क्या एंट्री करेगी सर, सब्सिडरी कंपनी मान के चलेगी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया किसने, पेरेंट कंपनी ने, बेटा उससे एज ए लाइबिलिटी बुक कर लेगी। आपको देखना पड़ेगा कि इक्विटी के अंदर आएगा या लाइबिलिटी कंपोनेंट के अंदर आएगा। बस आप एग्जाम के लिए अभी क्या करें साहब, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट कंपनी के नाम से डालते हैं। हालांकि बेटा ये डिटेल में कंसेप्ट है, हमारा इतने से काम चल जाएगा, इसकी डिटेल में बेटा मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ये नहीं मतलब ज्यादा कंसेप्ट रेलिवेंट नहीं, ये वाला तो रेलिवेंट बेटा, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन भी दे रखा। मैं यहां पर इस बात को दोबारा बोलना चाहूंगा कि सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को अगर आपने शेयर इशू किए तो सब्सिडरी कंपनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट कंपनी आएगा, इतना ही रेलिवेंट आपके लिए बेटा, और इसे आप अच्छे से करें क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 17 निकालते हैं सब, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कंपनी पी इज ए होल्डिंग कंपनी फॉर कंपनी बी, ए ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच पेरेंट इशू इट्स ओन इक्विटी शेयर फॉर द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बी, द डिटेल आर गिवन एज बिलो, बेटा ये अमाउंट वगैरह निकाल लेना, इन्वेस्टमेंट कर दी किसने, पी ने, और बी क्या करेगी, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पी कंपनी एक्सपेंसिस बुक कर लेगी, और पी क्या करेगी बेटा, शेयर कैपिटल बुक कर लेगी, ठीक है। चले आगे। जी सर आगे सुनिए बेटा मेरी बात ध्यान से ना, अब इसका उल्टा लेते हैं, सब्सिडरी कंपनी ने शेयर किसको इशू कर दिया, पेरेंट कंपनी को। अगर सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी को शेयर इशू करती है तो सीधी सी बात है खर्चा किसके लिए होगा, पेरेंट कंपनी के लिए, होल्डिंग कंपनी के लिए, और कैपिटल किसके लिए होगी, सब्सिडरी कंपनी के लिए। अब अगर पेरेंट कंपनी क्या करेगी साहब, खर्चा बुक करेगी तो क्रेडिट किसको करेगी बेटा, हमेशा मान के चलेंगे कि डिविडेंड इनकम। आपको पता होगा बेटा नॉन कैश डिविडेंड भी अलाउड है इंड एस 10 के अंदर, तो एक तरीके से नॉन कैश डिविडेंड बन जाएगा किसके लिए, होल्डिंग कंपनी के लिए, और सब्सिडरी कंपनी के लिए मान के चलेंगे कि सब्सिडरी कंपनी के लिए नॉन कैश डिविडेंड पे वाला बन जाएगा। तो सर मोटे तौर पे बात करते हैं, सब्सिडरी कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी किसको, होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को, तो सब्सिडरी कंपनी की एंट्री करेगी, कैपिटल को क्रेडिट कर देगी और डिविडेंड के खर्चे को डेबिट कर देगी, जिसको वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर लेगी। और पेरेंट कंपनी क्या करेगी, इसे डिविडेंड की इनकम मान लेगी और अपने यहाँ पे क्या बुक कर लेगी, खर्चा बुक कर लेगी। बेटा दो तीन कंसेप्ट और आते हैं शेयर बेस पेमेंट के अंदर, एक आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में शेयर बेस पेमेंट। आपको पता हो बेटा तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब
एक्वायरर कंपनी, एक्वायरी कंपनी की नेट सेट लेके जाती तो वहां पे सारी सेट और लायबिलिटी को वो क्या करती, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करती। उसका एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन कौन सा, शेयर बेस्ड पेमेंट बेटा, वो आप इंडेस 103 में पढ़े। सर इंडेस 101 वाला पार्ट बेटा इसका इंडेस 101 में पड़ेगी, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में कैसे होगा। तीसरी बात सर, जब आप एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट इशू करते हो तो उसके बेटा टीडीएस काटती कंपनी। सर इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बेटा उसको सिलेबस में कवर नहीं किया, इसलिए वो पार्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। बेटा मैंने जितना आपके लिए रेलिवेंट पार्ट था बेटा सारा समराइज वे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिया। होप सो बेटा आपको ये वीडियो बड़ी काम आएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू। और हाँ, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।